एक कंपोनेंट किधर आएगा? एक पैरेलल, और दूसरा कंपोनेंट कहाँ जाएगा? एक परपेंडिकुलर, एक पैरेलल लेके, तो एक पैरेलल कंपोनेंट और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इन दोनों को जोड़ दोगे तो एक्चुअल वेक्टर भी बन जाएगा। एक्चुअल वेक्टर क्या बन जाएगा? तो सवाल होता हमारा कि एक्चुअल वेक्टर की बहन होता है एक्चुअल वेक्टर, और हम लोग क्या निकाल लेंगे? पैरेलल कंपोनेंट निकाल लेंगे। तो ये और ये निकल गया, तो सब्स्टिट्यूशन कर देंगे यहाँ पे और यहाँ पे रख देंगे, तो ये वैल्यू इसकी निकल के आ जाएगी। कौन सी वैल्यू निकल के आएगी? वो कंपोनेंट जो एक बी का, वो कंपोनेंट जो ए के परपेंडिकुलर है, बी का वो कंपोनेंट जो ए के, समझ आ गया लोगों को? क्या समझ में आया बेटा? बी दो लोगों से मिलकर बना होता है। बी किससे मिलकर बना होता है? बी का एक कंपोनेंट वो होगा जो ए के पैरेलल होगा, अब बी का एक कंपोनेंट वो होगा जो ए के परपेंडिकुलर होगा। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। अब हमें क्या क्या पता है? बी वेक्टर पता है, और कौन सा कंपोनेंट निकालना सीख लिया? पैरेलल कंपोनेंट निकालना सीख लिया। तो ये यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो क्या निकल जाएगा? तो बी का वो कंपोनेंट जो ए के परपेंडिकुलर है, बी का वो कंपोनेंट जो, तो मैथमेटिकली आपके सामने दिख गया, मैथमेटिकली आपके सामने दिख गया कि वो कंपोनेंट निकाल लो जो बी का वो कंपोनेंट जो ए के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो एक्चुअल वेक्टर में से पैरेलल कंपोनेंट माइनस कर लेंगे, एक्चुअल वेक्टर में से पैरेलल कंपोनेंट माइनस कर लेंगे, एक्चुअल वेक्टर में से पैरेलल कंपोनेंट करने में गलती होगी तभी आप सीखेंगे। और कोशिश कर जब प्रैक्टिस के लिए ज्यादा जितना फास्ट करें, क्योंकि स्लो करने में तो ठीक है गलती आपको खत्म हो जाती है, बट जैसे आप स्पीड अपनी बढ़ाएंगे तो गलती होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो उसे इंश्योर करना है कि हम क्या करें, सही सही कर लें। 7/2 i + j सभी लोगों को आ रहा है? 7/2 i + j आगे भाई, आगे बस वो ये करना था। फिर से ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ये इतना ही होना। अगेन डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 4 - 3 एक ही आ रहा है। 4 - 3 अगेन कितना आ रहा है? डॉट प्रोडक्ट 1 आ रहा है। हाँ या नहीं? तो बहुत ही आसान है। अब करना है क्या हमें, बोलोगे तुम? ये पैरेलल कंपोनेंट इतना जाएगा, पैरेलल कंपोनेंट ऐसा आ 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 जाएगा। अब किस में से इसको माइनस कर देंगे? एक्चुअल वेक्टर में से। एक्चुअल वेक्टर है क्या हमारा? ऐसा है हमारा। अब एलसीएम ले लो, 2 8i 6j माइनस i + j 8 में से एक जाएगा, 7i + j भाई। ये आंसर हो जाएगा। कौन सा कंपोनेंट? परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल लिया, परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल लिया। बी का वो कंपोनेंट जो ए के परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट में तो ये बातें अपने कर ली। तो आगे मूव करते हैं, इसका कुछ एग्जांपल्स और लेंगे हम जब क्रॉस कर लेंगे। तो हेडिंग डाल दें क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस का सिंबल ऐसा होता है, क्रॉस बोलते हैं इसे, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। क्यों वेक्टर कहलाता है? गुड, ये क्रॉस प्रोडक्ट बोलें या वेक्टर प्रोडक्ट बताएं या फिर डायरेक्शन प्रोडक्ट बताएं, एक ही बात है। इन तीनों का नाम पहले क्लियर कर दोगे। ये क्यों बोलते हैं क्रॉस? क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंडिकेट करते हैं, ऐसे क्रॉस से इंडिकेट करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे दो वेक्टर्स को तो आउटपुट के रूप में क्या आता है? वेक्टर आता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसे? और पूरे फिजिक्स में डायरेक्शन निकालने के लिए काम में आएगा, इसलिए क्या बोलते हैं इसे? डायरेक्शन प्रोडक्ट बोलते हैं। और ज्योमेट्री में क्या एप्लीकेशन होगा और फिजिक्स में क्या एप्लीकेशन होगा? ज्योमेट्री में एप्लीकेशन, फिजिक्स में बता दिया था कल, फिजिक्स में तो 7-8 एप्लीकेशन बता दी। एक बता दोगे तुम? टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ, टाउ इक्वल टू एम क्रॉस बी, टाउ इक्वल टू पी क्रॉस सी, टाउ इक्वल टू एल इक्वल टू आर क्रॉस पी, बी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, एफ इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी। ये सब कहाँ एप्लीकेशन थे? फिजिक्स में एप्लीकेशन थे। तो मैं पूछना चाहिए जो तुम पढ़ा रहे हो एग्जाम में आता है या ऐसे बकबक कर रहे हो? आता है। अब इस बार का प्रूफ है, एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी पे क्वेश्चन आया है, सीधा इतना ही करना था।
लेंथ वेक्टर दिया हुआ था और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दिया हुआ था, दोनों को क्रॉस कर देते तुम्हारे आंसर आ जाते, सिर्फ इतना ही करने क्वेश्चन थे, क्षमा जाए बात नहीं आई। तो तुम्हारे सामने प्रूफ है, ऑलमोस्ट मोस्टली लोगों को याद होगा। तो देखते हैं इनका नाम क्लियर है सामने, जो फिजिक्स में एप्लीकेशन ऑलरेडी बोल रखा है हमने कि टॉर्क निकालने में, एंगुलर मोमेंटम निकालने में, ज्योमेट्री में कहाँ एप्लीकेशन होता, ज्योमेट्री वाला जानते हो आप, ज्योमेट्री में एप्लीकेशन बताएंगे लोग, क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन ज्योमेट्री में कहाँ पे होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का यूज ज्योमेट्री में कहाँ पे होता है, बोलो बोलो। दो चीजों का गुना ही है ना, तो दो चीजों को गुना करते हैं तो पूरी लाइफ याद रखना है, उसका मतलब होता है एरिया। दो चीजों को मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलते हैं, और तीन चीजों को मल्टीप्लिकेशन को वॉल्यूम। समझ आई बात नहीं आई? तो यहाँ पे दो चीजों को मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है तो ये क्या देता है, एरिया देता है ज्योमेट्रिकली, ये क्या देता है, बोलेंगे ए क्रॉस बी ज्योमेट्री से क्या देता है, तो एरिया पैरेललोग्राम, ऐसा पैरेललोग्राम जिसका, तो एडजेसेंट साइड्स ए एंड बी हैं तो उसका एरिया यहाँ से निकल जाएगा, ऐसा पैरेललोग्राम जिनके एडजेसेंट साइड्स कौन है ए एंड बी, तो इनका एरिया निकालना, तो क्या कर लोगे तुम, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का तो तीसरा नाम याद रखे, चौथा नाम याद रख लोगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ए क्रॉस बी इज नथिंग बट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग ए एंड बी एज इट्स एडजेसेंट साइड्स, ए एंड बी कौन से साइड्स हैं, एडजेसेंट साइड्स हैं, ए एंड बी अगर पैरेलल हो गया तो वो नहीं होगा, ए एंड बी कौन से साइड्स होने चाहिए, एडजेसेंट। तो 1 2 3 4 नाम याद हो गया लोगों को, 1 2 3 4 नाम याद होगा, फिजिक्स में एप्लीकेशन भी याद हो गया, तो अब आगे मूव जाते हैं, कब मूव कर जाते हैं इनके डिफिनेशन पे, इनके डिफिनेशन पे चले जाते हैं। बाकी यहाँ पे एक तो चलता फिरता नोट कर लें, यहाँ पे ये भी डाउट होता काफ़ी लोगों को, ए क्रॉस बी क्या होता है, और देखोगे ये पूरा फोटो है, पैरेललोग्राम है, तुम्हें काटने का मन कर रहा है, ये क्या करने का मन कर रहा है, काटने का मन कर रहा, काट दिया ऐसा, काट कर हटा दिया, क्या दिख रहा है आँखों, आँखों से तो काट दिया तो आधा भी हो गया, गुड, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी क्या देता हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल दे देता, ए क्रॉस बी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और ए क्रॉस बी बाई टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया होता है, गुड, डबल कर देंगे तो पैरेललोग्राम बन जाएगा, आधा कर देंगे तो ट्राइंगल बन जाएगा, तो बहुत फेमी यूज कर लेंगे। ये बच्चा बोल रहा है कि सर अगर हम डिफिनेशन यहाँ से यूज करते हैं कि ए क्रॉस बी बाई टू क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया होता है, तो डबल कर देते इसी को क्या बन जाता, वो पैरेललोग्राम बन जाता, ए क्रॉस बी बाई ए क्रॉस बी कर देते तो क्या होता, तो डायरेक्टली पैरेललोग्राम बन जाएगा। वन मोर रिजल्ट, अगर एरिया में बात कर ही रहे हैं तो एक और रिजल्ट नोट ही कर लें आप, D1 अगर D1 एंड D2 दो डायगोनल्स हैं किसके, पैरेललोग्राम के, D1 एंड D2 क्या हमारा डायगोनल्स है, किसके डायगोनल्स हैं, तो D1 क्रॉस D2 बाई टू भी क्या होता, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम होता। कुछ लोग इससे कन्फ्यूज रहते हैं, तो क्या कन्फ्यूजन दूर कर लोगे कि ये D1 क्रॉस D2 बाई टू दिस इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया किसका हमारा, पैरेललोग्राम का एरिया है, जहाँ पर D1 D2 हैं क्या हमारे, वो डायगोनल्स हैं, वो दोनों चीज एक ही चीज लिखा हुआ, ए क्रॉस बी लिखे या ये लिखे, एक ही चीज होता है, ए क्रॉस बी और D1 क्रॉस D2 बाई टू दोनों सेम ही चीज है, कैसे बोलोगे, हाँ एरिया पैरेललोग्राम तो वहां से तो चल रहा है पता, तुम्हें ये आंखों से दिख रहा है D1 क्रॉस D2 बाई टू और ए क्रॉस बी बराबर है, वेरी गुड, ए क्रॉस ए एंड बी का रिजल्टेंट ए प्लस बी आ जाएगा, वेरी गुड, एंड वेरी गुड, वही जो सब्ट्रैक्शन और एडिशन करेंगे तो वही क्या बन जाते हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल बन जाते हैं, वो क्या बन जाएंगे, पैरेललोग्राम के डायगोनल बन जाएंगे। देखो इधर ये क्या था हमारा, हर एक बच्चों को पता है कि ऐसा लिखूंगा तो क्या बनेगा, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर क्या हमारा रिजल्टेंट है, जिसको क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, आंखों से कौन सा फोटो दिख रहा है, ट्राइंगल या पैरेललोग्राम, जो सामने दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या बोलते हैं इसे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसे बोलते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ, ठीक है। अब आपने
लेकिन ऐसा सुना होगा कि एक पैरेललोग्राम लॉ भी होता है। बेकर एडिशन का कौन सा नियम होता है? पैरेललोग्राम लॉ भी होता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ बेकर एडिशन। तो आपको पूछना चाहिए वो अलग होता है या तुमने पढ़ाया भी नहीं, वो अलग होता है या सेम ही चीज़ होता है? सेम ही चीज़ होता है, बस आँखों को तो देखने का नज़र चेंज करेंगे तो आपको जो दिख जाएगा इसी में आंसर भी उतना ही आएगा। आर की वैल्यू उससे भी इतनी आएगी, पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से भी रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आती है? आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा का रूट ही आएगा। तो देखेंगे इसमें दिखाता हूँ, अब बी को पैरेलल ट्रांसलेट कर दो, बी को पैरेलल ट्रांसलेट करोगे तो ऐसा बन जाएगा। बी को पैरेलल ट्रांसलेट कर दिया और ए को पैरेलल ट्रांसलेट कर दो, अब ये पूरा फोटो क्या बन गया? अब ये पूरा फोटो पैरेललोग्राम बन गया, अब ये पूरा फोटो पैरेललोग्राम बन गया। इसी को कौन सा नियम बोलते हैं? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का पैरेललोग्राम का नियम। फिर से रिजल्टेंट यहाँ निकालेंगे, पहले जो हम लोग ये करके देख रहे थे इसको निकाल रहे थे, अब क्या करते हैं, बोलते एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है और उनका रिजल्टेंट ए प्लस बी होगा। तो ए प्लस बी है, मैं बोल रहा था तो अब ये पैरेललोग्राम मान के चलो, ये क्या है हमारा पैरेललोग्राम। तो ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम के एक डायगोनल हो गए, पैरेललोग्राम के एक डायगोनल हो गए और एक दूसरा डायगोनल देखेंगे लोग, इसको ऐसा कर लिया, इसको दूसरा डायगोनल मान लें ये वाला, तो इसकी वैल्यू बताएंगे लोग, ये जो है ए है और ये भी ए है। तो ट्रायंगल में देखोगे जरा, आप खुद ही लिखो, मैंने बताया था कि बंद ट्रायंगल में सेम डायरेक्शन वालों को एक तरफ लिखो और अपोजिट डायरेक्शन वालों को दूसरी तरफ लिख दो। बताओ यहाँ पे सेम डायरेक्शन वाले कौन कौन हो गए? ये बंद फोटो है, पहले देखो ये वाला फोटो, इसके इधर वाले फोटो को देखो, अरे इधर वाले फोटो को देखो, ये बंद फोटो है क्या? ये फोटो बंद है या नहीं है? बंद है ये, बंद फोटो में क्लॉकवाइज वाले कौन कौन है? ये क्या हमारा क्लॉकवाइज है और ये इसको मान ले डी डेस है, ये D2 मान ले से, ये D2 एंड B क्या हमारा, तो D2 प्लस B इज इक्वल टू A, तो D2 की वैल्यू कितने आ गया? D2 की वैल्यू A माइनस B हो गया, D2 प्लस B इज इक्वल टू A। क्यों? क्योंकि बंद फोटो में सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर और अपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर बराबर होते हैं बंद फोटो में, ये हमेशा याद रखना होता है, फोटो हमेशा क्या होना चाहिए? बंद। अब बंद फोटो में तो ये नियम यूज करते हैं हम लोग, क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, ये तीन ट्रेन तीन ही लोग हैं या चार लोग हैं पांच लोग कितने भी लोग हैं, तो बंद फोटो में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को क्या कर देंगे आप? याद रख बराबर कर देंगे, लेकिन पहले फोटो क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। तो यहाँ से मैं बोलना चाहता हूँ डी2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, तो डी2 की वैल्यू ए माइनस बी हो जाएगी, ये ए माइनस बी लिखा हुआ। ये ऐसे भी जनरल नॉलेज बताया था आपको, जनरल नॉलेज बोलते बताया था पहली क्लास में कि अगर एक का हेड और दूसरे का लास्ट का टेल जोड़ो, सॉरी एक पहले का टेल और लास्ट का हेड जोड़ो तो रिजल्टेंट आता है, और दोनों का टेल टेल या दोनों के हेड हेड ज्वाइन कर दो तो डिफरेंस आता है। ये डायलॉग दिया नहीं दिया? डायलॉग हमने दिया है कि दोनों के क्या जोड़ो अगर हेड हेड या टेल टेल तो डिफरेंस आ जाएगा, और एक का हेड और एक का टेल जोड़ो तो रिजल्टेंट आ जाएगा, एक का हेड और एक का टेल जोड़ो तो रिजल्टेंट आ जाएगा, एडिशन आ जाएगा। तो ये पूरी डायग्राम आपको ऐसा दिख गया, ये जो है तो यहाँ पे जब देख रहे थे ये वाली बात, यहाँ वाली बात देख रहे थे तो क्या दिख रहा था, यहाँ तक क्या जुड़ रहा था, इसका टेल और इसका हेड, तो क्या देगा ये रिजल्टेंट देगा, समझ आ गई बात, ये रिजल्टेंट देगा। और जब ये देख रहा था हमने, तो फिलहाल मैं बस इतना ही बोलना चाह रहा था कि इनके डायगनल जो हैं अगर ए एंड बी क्या हैं पैरेललोग्राम के साइड्स हैं, तो इनके जो दो डायगोनल होंगे एक डायगोनल की वैल्यू कितनी होगी ए प्लस बी और दूसरे डायगोनल की वैल्यू ए माइनस बी होगी। ए नोट करके रखेंगे जनरल नॉलेज की बात है कि दो साइड्स ए एंड बी है तो जो पैरेललोग्राम है तो एक डायगोनल ए प्लस बी होता है, दूसरा डायगोनल ए माइनस बी होता है, और डायगोनल डायगोनल दिए हो तो उनका ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी एरिया हो जाएगा या डी वन क्रॉस डी टू बाई टू भी क्या हो जाएगा हमारा एरिया हो जाएगा। ये बोल रहे थे सही, क्योंकि डी वन क्रॉस डी टू बाई टू ए क्रॉस बी के बराबर ही आ जाता है, वो वहीं साथ है, D1 की वैल्यू A प्लस बी लिख देंगे और D2 की वैल्यू A माइनस बी रख देंगे, उनको फिर क्रॉस करेंगे
अब दो से डिवाइड करेंगे तो जो अल्टीमेटली आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, ए क्रॉस बी आ जाएगा। तो प्रूविंग ऐसे होती है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है आपको प्रूविंग में। जस्ट आपने रिजल्ट देख लिया कि दोनों ही एरिया है, दोनों ही एरिया है, ये भी एरिया और ये भी एरिया, और दोनों एक ही चीज़ लिखा हुआ, दोनों ही एक ही चीज़ लिखा हुआ, कैसे वेरीफाई जाएगा? डी वन की वैल्यू ए प्लस बी रख दो यहाँ पे, ए माइनस बी रख दो और क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो डेफिनेटली इतना प्रूव आउट हो जाएगा। तो आगे मूव करते हैं हम लोग, ए क्रॉस बी का डिफिनेशन में जा रहे हैं। ए क्रॉस बी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है। ए क्रॉस बी का डिफिनेशन ए बी साइन थीटा एन कैप, ए क्रॉस बी इज डिफाइंड है ए बी साइन थीटा एन कैप, ए क्रॉस बी इज डिफाइंड है ए बी साइन थीटा एन कैप। दो वेक्टर ए एंड बी हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट को ऐसा हम लोग डिफाइन करते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। बारी बारी से आ जाए, इसमें कितने टर्म इन्वॉल्व हैं? एक इस पूरा एक, इसको एक बोलते हैं। ये क्या कहलाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ये क्या कहलाएगा? टर्म। और ये क्या कहलाएगा? फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, और ये तो एक यूनिट वेक्टर है। ये क्या है? और जिसको क्या बोलते हैं? तो एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर। आगे इसका आइडेंटिटी और दोगे तो एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू बोथ, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू बोथ। बोथ किसका? ए एंड बी म्यूचुअली, ए एंड बी का म्यूचुअली परपेंडिकुलर आता है। ए एंड बी का क्रॉस करने से ध्यान सुनोगे, जनरल नॉलेज की स्टोरी है कि ए एंड बी का वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस करोगे तो एक जो प्रोडक्ट आएगा वो एक वेक्टर आएगा। क्या आएगा? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का क्रॉस करेंगे तो एक आउटपुट निकलेगा। जो आउटपुट निकलेगा वो पूछा जाएगा स्केलर होगा या वेक्टर होगा, तो क्या आंसर देंगे आप? वेक्टर होगा। और वो जो वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन हमें पता होगा तो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ए के भी परपेंडिकुलर होगा और इन दोनों के क्रॉस से जो एक नया आएगा वो वेक्टर होगा, और वो जो वेक्टर होगा दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। समझ आई बात? दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। जैसे दो लोगों का शादी हुआ और बच्चा पैदा हुआ, तो बच्चा जो होता है कि माँ बाप, माँ का होता है या बाप का होता है, या दोनों का म्यूचुअल होता है? दोनों का होता है। समझ आई बात? नहीं आई? दोनों का ही होता क्योंकि दोनों के प्रोडक्ट है वो। तो सेम चीज बोला रहा है कि एक ए एंड बी का क्रॉस करने से एक वेक्टर ही आएगा। वेक्टर इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल आएगा? और ये वेक्टर आएगा, ये अपने दोनों माता पिता के क्या होगा? ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। दोनों क्या होगा? समझ आई बात? तो यहाँ पे अब जो है, अब देखो कितने वेक्टर लिखे हुए हैं? दो हैं या तीन हैं? तीन लोग हो गए अब। अरे एक माता एक पिता एक बच्चा, तीन लोग तो दिखाई रहा हूँ, दो कहाँ तुम्हें दिख रहा? यही तो बता रहा हूँ कि तीन लोग हो गए अब। अरे जो हर एक लोगों के जीवन का सपना है, यही जीवन का सार है कि पहले एक से दूर होना चाहते हैं फिर तीन होना चाहते हैं। ये चाहते हो ना? एक से दो, दो से फिर क्या? तीन। और तीन के बाद अपनी इच्छा है, तीन के बाद चार पांच कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा पे डिपेंड करेगा। तो सिर्फ सेम चीज यहाँ बोला जा रहा है कि ए एंड बी का क्रॉस करेंगे तो एक नया वेक्टर निकल कर आता। तो यहाँ पे तीन वेक्टर लिखे हुए, एक वेक्टर ए होता, दूसरा क्या होता और तीसरा इनका एक क्रॉस प्रोडक्ट या एन कैप आएगा। तो ये एक सवाल होता, एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो ए पे परपेंडिकुलर है और बी पे भी परपेंडिकुलर है, ठीक है? तो ए वेक्टर ए एंड एन कैप के बीच का एंगल बता दो। 90 डिग्री। वेक्टर ए एंड एन कैप के बीच का एंगल 90 डिग्री, और वेक्टर बी एंड एन कैप के बीच का एंगल, वेक्टर ए एंड एन कैप के बीच का एंगल 90, और वेक्टर बी एंड एन कैप के बीच का एंगल 90। वेक्टर ए एंड ए क्रॉस बी के बीच का, ए क्रॉस बी के बीच का एंगल, वेक्टर ए एंड ए क्रॉस बी के बीच का एंगल, और वेक्टर बी एंड ए क्रॉस बी के बीच का एंगल। अब ये सवाल का आंसर सोच के देंगे, ए क्रॉस बी एंड एन कैप के बीच का एंगल, ए क्रॉस बी एंड एन कैप के बीच का एंगल 0 डिग्री। एक ही वेक्टर है, ए क्रॉस बी एंड एन कैप सेम ही चीज तो बोल रहा हूँ, अलग अलग है कहाँ? ये
ए क्रॉस बी का ये इतना जो लिखा हुआ यहाँ तक वो मैग्नीट्यूड लिखा हुआ, और उसी का ये क्या लिखा हुआ, ए क्रॉस बी एन एनकेप सेम वेक्टर है, तो दोनों पैरल होंगे, उन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। क्लियर हो गया वो लोगों को? तो पांच एंगल्स की चर्चा कर दिया यहाँ पे, वेक्टर ए एन एन कैप 90 डिग्री पे, वेक्टर बी एन एन कैप 90 डिग्री पे, ए क्रॉस बी एंड एन कैप 0 डिग्री पे, ए क्रॉस बी एंड ए 90, ए क्रॉस बी एंड बी 90। समझ आ गया सबको? एक तो एंगल पे क्वेश्चंस होते हैं, इनके बीच का एंगल की चर्चा करो। समझ आ गया? कुछ बोलना चाहोगे? एक एंगल बता दो तुम, ए क्रॉस बी एंड ए के बीच का एंगल 90। इन्होंने बोला बहुत अच्छा बोला, ए क्रॉस बी एंड एन कैप के बीच का एंगल 0 डिग्री, ये भी सही बोला। गुड, ए क्रॉस बी एंड बी के बीच का एंगल, वेरी गुड। ए वेक्टर एंड एन कैप के बीच का एंगल 90, गुड 90 डिग्री। तो ऐसा सबको याद होना चाहिए। तो एक तो एंगल पे क्वेश्चन हो जाते हैं, एंगल पे क्वेश्चन हो जाते हैं, तो मजा आया एंगल में। और एंगल की चर्चा करूँ? एंगल की चर्चा करने के लिए एक जीवन सफिशियंट या इन्फाइनाइट जीवन की जरूरत है? इन्फाइनाइट की जरूरत है। फिजिक्स में किसी भी एक पॉइंट को उठा लो, उसके लिए तो जीवन खत्म हो जाए, वो खत्म होता नहीं है। बट हमें अपने आप को लिमिट रखना होता है कि हमें हमारे सिलेबस में यहाँ तक ही है, हम वहाँ तक काम करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसा आप चर्चा करें, ध्यान से देगा। अब हर एक को मजा है। ए एंड एन कैप के बीच का एंगल, ए एंड ए क्रॉस बी के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो कल हमने बहुत ही चिल्लाया था और बोला था बहुत धांसू रिजल्ट है कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा। और कल बताया था दो परपेंडिकुलर और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो ए वेक्टर ए एंड ए क्रॉस बी आपस में क्या है? ये तो ये सही है गलत है? तो सही लिखा हुआ ए डॉट ए क्रॉस बी क्या होगा हमारा? ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, नीट 2004 का 2005 का या पेपर देख लोगे, उस पर सवाल दिया विच द वैल्यू ऑफ दिस ए डॉट ए क्रॉस बी, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। समझ आ गई बात? साबित कर लिया क्यों जीरो हो गया, क्योंकि दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, दोनों आपस ऑर्थोगोनल हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर का क्या होता है डॉट प्रोडक्ट? जीरो होता। तो यही लिखा हुआ। और देखिएगा, अगर इसकी वैल्यू मैं आपसे पूछूं, बी डॉट ए क्रॉस बी, वेरी गुड, यहाँ तक किसी को भी दिक्कत नहीं है, सब लोग कंफर्टेबल हैं बोलने में भी। बोलने के लिए मैं क्यों आपको प्रेस करता हूँ? याद होने के साथ साथ और क्या टारगेट है? आप सीख तभी पाएंगे जब बोल पाएंगे। ऐसे नहीं कि आप बोले कि मुझे आता बहुत है लेकिन मैं बोल नहीं सकता हूँ, तो बेकार हो गया, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या हो गया वो? समझ आई बात नहीं आई? जब आप बोल पाते तब आपकी चीज़ें आपको समझ में आई है, आप उन चीज़ों को जानते हैं। अदरवाइज जो है कि आप क्या हैं, तो यूजलेस है अगर आप बोल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि जब तक आप लैंग्वेज नहीं सीखेंगे। ये लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, वेक्टर क्या हमारे फिजिक्स का लैंग्वेज है। ये दोनों रिजल्ट दिख गया आपको, अगर इन तीनों में तो क्या बोलेंगे आगे चल के, इसको क्या नाम देंगे हम लोग, या आगे चल के इनको क्या बोले, तीन वेक्टर का प्रोडक्ट नाम देंगे इनको, क्या नाम देंगे? कितने लोग होगा? एक दो तीन होगा, तीन वेक्टर का प्रोडक्ट। और तीन वेक्टर का प्रोडक्ट में अगर दो सिमिलर लोग हो जाते हैं, यहाँ पे ए और ए सिमिलर है यहाँ पे, तो तीन वेक्टर का प्रोडक्ट में दो सिमिलर वेक्टर मिल गए, तो उनकी वैल्यू कितनी हो जाती है? जीरो हो जाती है। रिजल्ट की तरह यूज करेंगे इसको, किस तरह से यूज करेंगे? रिजल्ट की तरह से यूज करेंगे। और पूरा एक घंटा इसको तो हम लोग जाकर वहाँ पे पढ़ेंगे फराडे में, वो फराडे में इसका एप्लीकेशन आएगा। तीन वेक्टर्स में दो पैरेलल हो जाते हैं, उनकी वैल्यू क्या हो जाती है हमारी? जीरो हो जाती है। डायलॉग बोलेगा तीन वेक्टर में दो पैरेलल हो गए, तीन लोग हैं उसमें दो लोग आपस में क्या हैं ये, तो उनकी वैल्यू कितनी होती है? तो इनको आगे चल के तो हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहाँ पे डॉट ले रहे हैं तो डेफिनेटली आउटपुट क्या आएगा? स्केलर आएगा। और तीन लोगों का है तो इसलिए क्या बोलते हैं? ट्रिपल प्रोडक्ट। अलग से हेडिंग देखेंगे, फिलहाल इतना दिखा दिया कि प्रूविंग दिखा दिया आपको। ए डॉट ए क्रॉस बी जीरो होता है, बी डॉट बी ए क्रॉस बी क्या होता है हमारा? जीरो होता है, याद रह जाएगा। तो आगे देखोगे अब इस पर आप एंजॉय करने जा रहे हैं हम लोग। अब ऐसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, कलम बंद कर लेंगे और बता दिया कि अंत नहीं है इनका, तो जितना आप समझ ले उतना एनफ होगा। तो अब मैं आपसे पूछूं कि इनके बीच का एंगल बताओ, 7A एंड ए क्रॉस बी के बीच का एंगल बताओ, 7A एंड ए क्रॉस बी के बीच का एंगल, एंगल 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 90 होगा। ए क्रॉस बी
एंड सेवन ए क्या हमारा था, सेवन ए क्या, ए का ही लेंथ बढ़ा दिया हमने, तो अगर ए क्रॉस बी ए पे परपेंडिकुलर होता तो ए क्रॉस बी सेवन ए पे भी परपेंडिकुलर होगा, या सेवन ए ए क्रॉस बी पे परपेंडिकुलर होगा। समझ नहीं आई बात, तो मैं यहाँ सेवन लिखूँ या माइनस सेवन ए लिखूँ कोई फर्क है क्या? नहीं है। माइनस लगाने से वेक्टर में माइनस लगाने से क्या होता है, डायरेक्शन पलट जाता है। वेक्टर में माइनस लगाने से क्या हो जाता है, डायरेक्शन पलट जाता है। पलटू राम है ये, माइनस लगा दोगे पलटू राम बन जाएगा। तो मैं यहाँ से ये बोलना चाहता हूँ कि सात लिखो या सतारा लिखो, ये सारे किस किस पे परपेंडिकुलर होंगे, ए क्रॉस बी पे परपेंडिकुलर होंगे। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ किताबों में या जहाँ हेडिंग होता है, डिफिनेशन होता है, वहाँ पर लिखा रहता है कि ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए। सही है गलत? अब जो क्वेश्चन कहीं पे मिलेगा तो ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू 17A, सही है गलत? सही, ये भी सही है। ए और 17A में, ए में कोई फर्क नहीं है। समझ आ गई, मैनेज कर लोगे आप बोलोगे जो भी आपको अच्छा नंबर लगता है। कौन सा नंबर अच्छा लगता है आपको, 25 है तो वो भी क्या होगा? समझ आई बात नहीं है। मैं यहाँ पे सात और सतारा वैसे एक रिप्रेजेंटेशन के लिए लिखा हूँ भाई, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, आपका फेवरेट भी हो सकता है या एग्जामिनर का फेवरेट भी हो सकता है। समझ आई बात नहीं है, वहाँ पे नंबर लिखना कोई भी आर्बिट्री नंबर हो सकता है। समझ आ गया लोगों को? तो आगे देखेंगे, अब सवाल पूछे तो इसलिए मैं बोला जा रहा आपको। तो यहाँ पे कुछ भी लिख दें या ए, फिलहाल तो आप देखेंगे यहाँ पे बी लिख दूँ या ट्वाइस बी लिख दूँ तो भी क्या होगा, ये जीरो ही या ट्वाइस बी परपेंडिकुलर होगा ए क्रॉस बी पे, हाँ या नहीं? तो अब देखेंगे, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ या मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूँ कि ए ए ए जो होता है ए क्रॉस बी पे परपेंडिकुलर होता है, ए जो है, अब बी जो है, बी जो होता है ए क्रॉस बी पे, और आपके मन में इच्छा हुई होगी कि इन दोनों का कोई लीनियर कम्बिनेशन कर दें, ए एंड बी का लीनियर कम्बिनेशन इसको बोलते हैं। ऐसा कर देने को क्या बोलते हैं, लीनियर कम्बिनेशन। तो ये लीनियर कम्बिनेशन, ए एंड बी का ये लीनियर कम्बिनेशन और इनके बीच का एंगल कितना होगा, तो अगेन डेट विल बी 90 डिग्री। ए तो है ए प्लस बी पे परपेंडिकुलर होता ही है, अब बी भी किस पे परपेंडिकुलर होता है, ए क्रॉस बी पे, और ए प्लस बी भी किस पे परपेंडिकुलर होता है, ए क्रॉस बी पे, ये परपेंडिकुलर ही होता है ए प्लस बी भी। समझ आई बात नहीं आई? और अगर ये ऐसे लिख दूं तो भी बोलेंगे, ए माइनस बी लिख दिया तो भी क्या होगा, वो इन दोनों के बीच में। तो ऊपर वाला तो जैसे ऑलमोस्ट हर एक किताब में पूछा हुआ सवाल है, ए प्लस बी एंड ए क्रॉस बी के बीच का एंगल बता दो, ए क्रॉस बी एंड ए प्लस बी के बीच का एंगल, एंगल एंगल में बात करेगा तो कितना टिक आउट करोगे, 90, और डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में बात करेगा तो कितना बताओगे, तो डॉट डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में डॉट डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, और एंगल एंगल के बाद टर्म्स में बात करेगा तो डॉट डब्ल्यू ए, तो 90 डिग्री, डॉट डब्ल्यू ए 90 डिग्री। ये इनका डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू है, हाँ, दोनों को मल्टीप्लाई करके आउटपुट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाँ, किसके बीच में बोलो बेटा, ए प्लस बी एंड या ए माइनस बी एंड ए क्रॉस बी के बीच का एंगल 90, या तुम्हें और कुछ मन कर रहा है? नहीं, मन करेगा ना, तुम्हें मन नहीं करेगा तो एग्जामिनर को मन करेगा, तो ऐसा कुछ लिखा हुआ तो भी क्या बोलोगे, समझ आई बात? ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन तुम बैठ के बनाते रहो, ए और बी का कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते रहो, ऐसे बनाने को क्या बोलते हैं, समझ आई बात? गुड, ऐसा भी एक्सप्लेन कर सकते, थ्योरेटिकली ऐसा एक्सप्लेन कर देंगे, ए है और बी है तो ए प्लस बी उसी प्लेन में होगा, और ए क्रॉस बी उसके क्या होगा, तो उन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, तो ऐसे ही थ्योरेटिकल प्रूफ हो गया। या मैथमेटिकल किसी को चाहिए तो क्या कर देंगे, मैथमेटिकली चाहिए तो वो देखेंगे, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ दोगे तो राइट साइड में कितना हो जाएगा, जीरो, और लेफ्ट साइड में ये कॉमन हो जाएगा, और ये दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, ए प्लस बी डॉट ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साबित हो गया ए प्लस बी एंड ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना साबित हो गया, 90 डिग्री, और घटा दो तो ए माइनस बी डॉट ए क्रॉस बी प्रूव आउट हो जाएगा, डेट विल जीरो एंगल 90, या इनको 7 से इनको 5 से गुना करने के बाद घटा दो या जोड़ दो तो फिर से साबित हो जाएगा। समझ आया? तो ये जो है बच्चों वाला कॉन्सेप्ट हो गया,
बच्चों वाला कॉन्सेप्ट बता। आप देखोगे मैं पूछना चाहता हूँ कि ए क्रॉस बी पे कौन कौन लोग परपेंडिकुलर होते हैं, ए क्रॉस बी के पे कौन कौन लोग परपेंडिकुलर, ध्यान सुनोगे, ए क्रॉस बी पे ए भी परपेंडिकुलर होता है, बी भी परपेंडिकुलर होता है, ए क्रॉस ए प्लस बी भी होता है, ए माइनस बी होता है, ट्वाइस ए प्लस थ्री बी भी होता है, और थ्री ए भी होता है, थ्री ए फाइव ए सेवन बी नाइन बी, ये सभी लोग क्या होते हैं। ये बच्चों वाला कॉन्सेप्ट कैसे हो गया, कॉन्सेप्ट ऐसा हो गया कि किसी बच्चे को तुम ऐसा गाली दे दो, तुम किसी बच्चे को गाली दे दो तुम चोर हो तो क्या बोलेगा, तू चोर, तुम्हारा माँ चोर, तुम्हारा बाप चोर, तुम्हारा नाना चोर, तुम्हारा, ऐसा बोलता है ना। तो सेम केस यहाँ पे हो गया। या किसी बच्चे के सामने एक लकीर खींच दो तो वो क्या करता है, बोलता है अच्छा तुम्हारी ये लकीर, वो खींचता जाता है, देखो मेरी ये, तो वैसे ही कॉन्सेप्ट हो गया। ए क्रॉस बी पे कौन कौन परपेंडिकुलर, ए बी ए प्लस बी ए माइनस बी टू ए प्लस थ्री बी, आप बोलते रहे जिंदगी भर। बाकी अभी हमारा काम क्या कि एग्जाम में पहचान लें, एग्जाम में क्या कर लें, समझ आ गया होगा, ओपन फंडा हो गया, कोई भी गली मोहल्ले में तुम किसी को भी पढ़ा सकते हो। तो ए क्रॉस बी का डिफिनेशन किसी को दिक्कत है बताएगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो कि दोनों पे परपेंडिकुलर होता है, एंड ए क्रॉस बी, अब डायग्राम बना देता हूँ, एन कैप के बारे में नोट कर लेंगे फिलहाल, एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, यू भी है, एन कैप एक यू भी है जिसका कि मैग्नीट्यूड वन होगा, एन कैप ये यूनिट वेक्टर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू बोथ, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू बोथ, एन कैप ये यूनिट वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू बोथ, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू बोथ, बोथ कौन, ए एंड बी, एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो आगे मूव करेंगे, तो एक दोनों के परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर की वैल्यू निकालने के लिए तो डाट वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे। चलें यहाँ से ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप लिखने में सबको मजा आ रहा है, ए बी साइन थीटा एन कैप, और इनका मॉडुलस ले लें, बॉक्स लगा दें दोनों तरफ, तो दोनों तरफ बॉक्स लगा देंगे तो लेफ्ट साइड में बॉक्स और राइट साइड में बॉक्स, बॉक्स में तो राइट साइड में एन कैप क्या कर दोगे, एन कैप का बॉक्स कितना हो गया, वन हो जाएगा, हट जाएगा, दोनों को डिवाइड कर लो, ये बॉक्स वन हो जाएगा, दोनों का रेशियो ले लो क्या आ जाएगा, तो एन कैप की वैल्यू आ जाएगी, एन कैप की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये जनरल नॉलेज हो गया कि दो एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है और उन दोनों के परपेंडिकुलर एक, उन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर निकालो, उन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या निकालो, तुम एक यूनिट वेक्टर निकालो, तो ऐसे लिख दोगे, सामने दिख रहा है जो यूनिट वेक्टर बता रहे हैं तो उनका जो वैल्यू निकालना होगा तो ऐसे निकाल लोगे, उन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकालो, तो ए क्रॉस बी ऊपर में और नीचे ए क्रॉस बी का मॉडुलस, ये टिकआउट करने के लिए फार्मूला पूछे रहते, टिकआउट करो तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, और ध्यान से देखोगे यहाँ पे एक जनसंख्या पूछी रहती है, क्या पूछे रहते हैं, जनसंख्या पूछे रहते हैं, तो यहाँ पे वही डायलॉग काम आएगा, हम ए एंड बी दो लोग हैं तो जो बचपन से सुनते रहो, हम दो हमारे दो, हम दो एंड, तो ये ए एंड बी दो लोग हैं और इनके म्यूचुअली परपेंडिकुलर दो यूनिट वेक्टर भी होंगे, इनके म्यूचुअली परपेंडिकुलर कितने यूनिट वेक्टर होते हैं यही पूछा जाता है, इनके म्यूचुअली परपेंडिकुलर कितने यूनिट वेक्टर होते हैं, दो होते हैं, वो कैसे होते हैं देख लोगे, यहाँ पे मान ले एक एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर ए एंड बी मिलकर एक प्लेन बना रहा है, प्लेन का मतलब क्या होता है, बिस्तर होता, प्लेन का मतलब होता क्या है, बिस्तर, तो बिस्तर के पे तुम खड़े हो जाओगे तो तुम क्या हो गए, उसके बिस्तर के यूनिट वेक्टर हो गए तुम, क्या हो गया, तो ये मैया थोड़ी देर के लिए इस स्क्रीन को मान लो, ये स्क्रीन तुम्हारा प्लेन है, तो इस ए एंड बी के और ए एंड बी का जो क्रॉस है तो उसके परपेंडिकुलर कितने यूनिट वेक्टर पॉसिबल होंगे, तो दो होंगे, एक इसकी इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ और एक कहाँ की तरफ, अंदर की तरफ, इस प्लेन के म्यूचुअली परपेंडिकुलर कितने यूनिट वेक्टर पॉसिबल होते हैं, जनसंख्या बताओ, हर एक किताब का सवाल है और ये सवाल में भी तुम फंसोगे, क्योंकि वहाँ पे इस तरह से वो लिखते हैं, आंसर तो इस बस इतना ही होता है, बट वो पांच लाइंस में लिखे रहते हैं, कितने लाइन में प्लेस किए रहते हैं, पांच लाइंस में प्लेस किए रहते हैं, समझ आई बात, अब पूछना उनको यही है, हम दो हमारे दो, ये एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है और उनके म्यूचुअली परपेंडिकुलर कितने यूनिट वेक्टर होते हैं, दो होते हैं,
उनके म्यूचुअली परपेंडिकुलर कितने यूनिट वेक्टर होते हैं? दो होते हैं। तो दो होते हैं तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के, यहाँ तो एक ही दिख रहा है ना, तो इनको दो बनाने के लिए कौन बताएगा क्या करूंगा? तो ऐसा प्लस माइनस कर दूंगा, ये दो हो गया, एक बार प्लस लेंगे तो एक हो जाएगा और एक बार माइनस लेंगे तो दूसरा आ जाएगा, तो सिमल्टेनियसली लिखा हुआ। तो दो यूनिट वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और कुछ नहीं बोला गया कि बोले एक इन दोनों के ए एंड बी के म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर बताओ, और कुछ नहीं बोला हुआ कि प्लस वाला लो या माइनस वाला लो, तो हम प्लस वाला निकाल के मैच करवा लेंगे आंसर। क्षमा जाए बात नहीं, बट जनसंख्या पूछी जाएंगे तो क्या टिकआउट करेंगे आप? दो। तो आगे मूव कर रहे हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप में, तो एन कैप की वैल्यू आपने देख लिया, एन कैप की वैल्यू कौन बच्चा बता देगा? ए क्रॉस बी और नीचे ए बी, ए क्रॉस बी का मॉडुलस, या इसको क्या लिख दो, ए क्रॉस बी का मॉडुलस को ए बी साइन थीटा भी लिख सकते हो, ए बी साइन थीटा, इसके बारे में कौन बताएगा क्या लिखा हुआ? ये इसके बारे में कौन बोलेगा क्या लिखा हुआ? ए कैप लिखा हुआ, और ये क्या लिखा हुआ? एन कैप, मतलब ए कैप क्रॉस बी कैप बाई, तो टिक आउट कर लेंगे, ए कैप क्रॉस बी कैप बाई साइन थीटा याद रह जाएगा, जो बॉक्स में डाल दिया फिर से कहीं पे चार ऑप्शन में प्लेस करने के रखेंगे तो टिक आउट कर लोगे। यूनिट वेक्टर मजा आ गया, निकाल लिया लोगों ने, ये वैल्यूज भी निकालना सीख लेंगे अभी, एग्जैक्ट वैल्यू कितना आता तो वो वैल्यू निकाल लेंगे, बट डिफिनेशन पार्ट क्लियर हो गया। ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, एन कैप दो पॉसिबिलिटी होती है। अब यहाँ पे तो थीटा के बारे में तो डिस्कशन देख ले, डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, एक वेक्टर ए है, ए देखेंगे इधर, ए से बी की तरफ जा रहा हूँ, ये दूसरा बना ले रहा हूँ, ये ए है और ये बी है, और ए से बी जा रहा हूँ, कौन सा डायरेक्शन जा रहा हूँ? आंटी क्लॉक वाइज, तो प्लस लूंगा या माइनस लूंगा? जनरल नॉलेज के लिए सुन लेंगे, थीटा होता है तो थीटा क्या बोलते हैं? एंगुलर पोजीशन, थीटा को क्या नाम से पुकारते हैं? और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी थीटा बाई डी टी डब्ल्यू जाए एंगुलर वेलोसिटी, या फिर डब्ल्यू को डिफ्रेंशिएट करोगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन, या फिर टॉर्क, या एंगुलर मोमेंटम, ये सारे क्या एक्सियल वेक्टर्स हैं। एंगुलर पोजीशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, सारे कौन से वेक्टर हैं? ये एक आध क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करोगे तो कहीं मिल जाएगा, एंगुलर मोमेंटम कैसा वेक्टर है, टॉर्क कैसा वेक्टर है, तो दैट इज द एक्सियल वेक्टर। डायरेक्शन एक्सिस का लॉन्ग होता, डायरेक्शन किसके लॉन्ग होता है? एक्सिस का लॉन्ग होता, और इन सभी का डायरेक्शन, इन सभी का डायरेक्शन, तो ये हो गया कि यहाँ पे थीटा कैसा है हमारा? एंटी क्लॉकवाइज, या जो है तो ये हाथ को मैं ऐसे घुमा रहा हूँ तो इसके एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन बताओ, एंटी क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन ही है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही होता है। और जनरल नॉलेज पहले भी बोला होगा, नहीं बोला तो सुन लेंगे, क्लॉकवाइज को क्या मानते हम लोग? क्लॉकवाइज को निगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, पूरे फिजिक्स में एंटी क्लॉकवाइज को, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को, ये ए सी डब्ल्यू और सी डब्ल्यू, ये जो है तो इसी को क्या बोलते हैं क्लॉकवाइज या इनवर्ड, या इसी को क्या बोलते हैं माइनस के कैप, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज को, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो कोई चीज़ बाहर आ जाएगा। बताया था तुम्हें कि कोई कील यहाँ पे दीवार में लगा हुआ, और स्क्रू ड्राइवर से उसको कैसे घुमाओ? एंटी क्लॉकवाइज, तो देखो कील बाहर आ जाएगा, कील क्या आ जाएगा? आउटसाइड आ जाएगा। घर पे जाकर किसी ने प्रैक्टिकल किया? नहीं किया, पेन से किया। स्क्रू ड्राइवर लेकर भी कहीं कील होता ना तो उसको ऐसे घुमा के देख सकते हो, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे देखोगे अपने आप बाहर निकल रहा हो, और इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमाओगे स्क्रू को तो अपने आप अंदर घुस रहा होगा, टाइट हो रहा होगा। समझ आई बात? नहीं तो ओबियस दिख जाएगा आपको। तो एंटी क्लॉकवाइज किसी भी घुमाने वाली चीज़ में तो यह नियम होता है पूरे फिजिक्स में, इसलिए कारण बताया कि प्रैक्टिकली आप ये बार बार करते रहते हैं लोग। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब तो प्लस के कैप, मैं किसका डायरेक्शन बता रहा हूँ? मैं बता रहा हूँ कि थीटा का डायरेक्शन, ओमेगा का डायरेक्शन, अल्फा का डायरेक्शन, टॉर्क का डायरेक्शन, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन, घुमाने के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। घुमाने का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज को ही तो न्यूटन ने क्या बोला? माइनस ये प्लस के कैप। एंटी क्लॉकवाइज को ही न्यूटन ने क्या बोला? प्लस के कैप। ये लोकल लाइफ में क्या बोलते हैं? तो प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, प्लेन के परपेंडिकुलर, ये ऐसा करोगे तो अपने आप प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आ जाएगा वो। समझ आई? तो मैं बोल रहा हूँ कि ये आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज को फिजिक्स में क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज को फिजिक्स में क्या लेके चलते हैं? पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि ए और बी के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। और कौन सा डायरेक्शन में है?
तो यहाँ पे जो है तो क्या लिखेंगे हम लोग, ए क्रॉस बी अगर करोगे, ए से बी की तरफ जाओगे, यहाँ पे पहली बार यहाँ पे क्या लिखते हो, मैटर करता है। यहाँ पे डॉट में प्रूव करते थे ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम ही होता, बट क्रॉस में तो इक्वल नहीं होगा। ये क्रॉस में वहाँ पे इक्वल होता है, यहाँ पे इक्वल नहीं होता, ये डिस्टिंक्शन हो गया दोनों में। और ये वैल्यू ए क्रॉस बी की वैल्यू ए बी साइन थीटा, साइन थीटा का साइन प्लस थीटा लिखोगे, और एन कैप, और यहाँ पे ए बी, बी से ए की तरफ जाओ, बी से ए की तरफ जाओ तो कौन से डायरेक्शन जा रहे हो तुम, बी से ए की तरफ जा रहे हो तो क्लॉकवाइज जा रहे हो, घड़ी के डायरेक्शन जा रहे हो, इधर से इधर जा रहे हो तो क्लॉकवाइज जा रहे हो, तो उसके लिए एंगल क्या प्लेस करेंगे, तो माइनस एंगल का प्लेसमेंट क्या होगा, माइनस होगा। अब एलिमेंट्री में आपने सुना होगा कि साइन ऑफ माइनस थीटा, तो माइनस बाहर निकल जाता है इससे, साइन ऑफ माइनस थीटा एलिमेंट्री में जानते होगे, साइन ऑफ थीटा एंड साइन ऑफ माइनस थीटा, तो ऐसा हो जाता है साइन ऑफ माइनस थीटा जी माइनस ऑफ साइन थीटा। ये साइन थीटा क्या प्रॉपर्टी है, इस बेसिस पे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, माइनस को बाहर निकाल लो यहाँ से, तो माइनस एन कैप आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस एन कैप आने के बाद आपको क्या दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इन दोनों को तो कौन पढ़ सकता है क्या लिखा हुआ है, ये गुड बोलेंगे, ये दोनों जो ए क्रॉस बी हो या बी क्रॉस ए हो, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट क्या सिर्फ और सिर्फ क्या अंतर है, तो डायरेक्शन का डिफरेंस है। हाँ जी, एक अंदर होगा तो एक, मतलब 180 डिग्री एंगल है, तो ए भी है, क्वेश्चन सर आता है कि ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए के बीच का एंगल बता दो, 180। ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए दोनों वेक्टर हैं, दोनों के बीच का एंगल बताओ, तो डेट एंगल विल बी 180 डिग्री, याद रह जाएगा, सामने प्रूफ डी लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते हैं, सामने दिख रहा है, क्या होते हैं, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते हैं, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए बराबर बराबर करना है, तो माइनस लगा के बराबर करोगे, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, समझ आ गई बात, तुम्हें मन कर रहा होगा ना कि माइनस को राइट में ही लिखना है, लेफ्ट में भी कूद आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कूद सकता है, ये यहाँ लिख दें यहाँ लिख दें, एक ही बात है, इसकी जरूरत पड़ेगी कहीं किसी एक्सप्रेशन में ऐसा लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा तो क्या लिख दोगे तुम, सामने माइन बाहर में माइनस है, विदाउट माइनस लिखना चाहते हो तो इनके पोजीशन इंटरचेंज हो जाएंगे, इनके पोजीशन क्या हो जाएंगे, या इधर से इधर क्या दिख रहा है, इधर माइनस दिख रहा है क्या तुम्हें, माइनस लाना है तो इनके पोजीशन इंटरचेंज कर दोगे, इसके इससे यहाँ पे जाना चाहते हो तो बाहर माइनस निकालना चाहते हो तो इनका पोजीशन फिर से क्या कर लोगे, समझ आई बात, नहीं है माइनस है गायब करना चाहोगे, माइनस लगा हुआ गायब करना चाहते हो माइनस को, तो क्या करोगे, पोजीशन इंटरचेंज कर दो, गायब हो जाएगा, या फिर प्लस है तुम माइनस लाना चाहते हो तो फिर से क्या कर लेंगे हम लोग, तो डेफिनेटली आपको याद होगा ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए के बीच का एंगल 180 डिग्री होता है, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए के बीच का एंगल 180 डिग्री होते हैं, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं और डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, तो क्लियरिटी से के साथ दिख गया, तो अब डेफिनेशन आपने देख लिया, अब अप्लाई करने जा रहे हैं, तो अब क्या अप्लाई करने जा रहे हैं, ए क्रॉस बी तो पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड आता था, और उन दोनों के बीच का एंगल का साइन आता था, एंगल का क्या आता था, तो जनरल नॉलेज ए क्रॉस ए, तो एंगल का साइन में क्या जाएगा, यहाँ पे ए क्रॉस ए के बीच का एंगल, तो साइन 0 0 हो जाता, तो जनरल नॉलेज हो गया ए क्रॉस ए 0 होता, कैसे प्रूव हुआ ए क्रॉस ए 0, समझ में आया नहीं है, ए क्रॉस ए 0 कैसे प्रूव आउट हो गया, क्योंकि ए एंड ए पैरेलल वेक्टर ही है, इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, साइन 0 0 होता है, तो इसका मतलब ए क्रॉस ए की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप 26 तो चिल्ला ही सकते हो, बी क्रॉस बी 0, सी क्रॉस सी 0, पी क्रॉस पी 0, डी क्रॉस डी 0, यू क्रॉस यू 0, बी क्रॉस बी एम क्रॉस एम 0, समझ आ गया, तो इन 26 को चिल्लाने से बेहतर है कि हम के लोग जनरल एक सेंटेंस में बोलना चाहते हो, क्या बोलेंगे, दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस 0 होता,
डायलॉग बनाना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे, दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता, ये डायलॉग हो गया पूरे जीवन के लिए, पूरे जीवन के लिए दो पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दो पैरेलल का क्रॉस जीरो, दो पैरेलल का क्रॉस ठीक। दोनों को एक साथ बोलना चाहेंगे, ध्यान सुनेगा, दो पी फॉर पैरेलल भी होता है, पी फॉर परपेंडिकुलर भी होता है, तो दो लोग परपेंडिकुलर हैं तो डॉट जीरो होगा, और दो लोग पैरेलल हैं तो क्रॉस जीरो होगा। दोनों डायलॉग, तो कल आपको टेस्ट करवाया था, कल टेस्ट करवाया था कि जैसे क्वेश्चन ने बोला दो लोग पैरेलल हैं, दो लोग परपेंडिकुलर हैं, तो डॉट किससे इक्वेट कर दिया था आपने, जीरो। अब आज करवाने जा रहा हूँ कि बोलेगा जैसे क्वेश्चन ने बोलेगा दो लोग पैरेलल हैं, ए एंड बी पैरेलल है, तो उनका क्रॉस किससे इक्वेट कर दोगे, जीरो से इक्वेट कर दोगे। ए क्रॉस ए जीरो आ गया, मजा आ गया, 26 बार चिल्लाने से बेहतर है कि पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। बाकी जनरल नॉलेज के लिए तो कहीं पे इसकी इस्तेमाल जरूरत पड़ जाएगी, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, तो डायरेक्टली जीरो। और इनका बोला पूरे फिजिक्स में जो एप्लीकेशन बार बार चलता रहेगा, तो क्या लिखवाया वो, ये जीरो और पैरेलल वेक्टर का क्रॉस जीरो होता है, हेडिंग डाल के रख लेंगे पैरेलल का क्रॉस, पैरेलल का क्रॉस हीरो होता है, हीरो बोलूं या जीरो बोलूं, जो मर्जी वो लिख लो, हीरो का मतलब ही जीरो होता है, बोल रखा पहले डायलॉग कि जीरो इज द हीरो ऑफ फिजिक्स। तो पैरेलल का क्रॉस जीरो डायलॉग बन गया, बाकी एग्जांपल सामने दिख रहा है, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के। तो आपने देखा ना कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका एप्लीकेशन डायरेक्शन निकालने में होता था, किसके निकालने में होता था, तो डायरेक्शन निकालने में कैसे होगा, तो वो देख लें, आई क्रॉस जे को डिफाइन किया उसने, के आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, आई जे, जे के आई, आई क्रॉस जे, आई जे, जे के आई, आई जे, जे के आई, ऐसे बोलेंगे राइम है, आई जे, जे के आई, आई जे का मतलब के, जे का मतलब आई, के आई का मतलब हम जानते हैं कि दो एक्स एंड आई एंड जे, मतलब आई का मतलब एक्स है और जे का मतलब वाई है, और एक्स और वाई का क्रॉस करोगे तो इन दो एक्स एंड वाई के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो जेड आएगा, जेड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो किस रिप्रेजेंट करते हैं, समझ आई बात नहीं। तो ये उसने ऑर्डर माना, ऑर्डर माना कि आई लोगे और जे लोगे तो प्लस किया आएगा, और तुम चाहते हो माइनस चाहते हो तो क्या कर लोगे, अरे इसको फ्लिप कर लो, तो जे क्रॉस आई कर दोगे तो क्या जाएगा, तो माइनस चाहते हो, हाँ या नहीं, माइनस चाहते हो, माइनस चाहते हो तो फिर फ्लिप कर दोगे, जे क्रॉस आई डायरेक्टली माइनस के क्रॉस जे एंड आई क्रॉस डायरेक्टली माइनस, तो बोथ वे में यूज कर लेंगे। और ये बड़ा कैटेगरी है, ऑलमोस्ट हर एक साल यहाँ से एक सवाल रहते ही रहते हैं। इस बार वाला तो आपको बताया होगा ना कि एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन पूछे हुए थे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता है, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग होता है, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग होगा, और क्लॉकवाइज के लिए, क्लॉकवाइज अंदर, एंटी क्लॉकवाइज के लिए, बस इतना ही पूछा था, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में किधर होता है, अलोंग द एक्सिस, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन सर्कुलर मोशन में अलोंग द एक्सिस होता, बस इतना ही टिक आउट करना था। अगर डायरेक्शन अगर वो मेंशन करे क्लॉकवाइज, अगर एंगुलर वेलोसिटी कैसी हो रही है, क्लॉकवाइज, तो एक्सिस के लॉन्ग अंदर, और अगर क्लॉकवाइज मोशन कैसा हो रहा, तो एक्सिस के लॉन्ग बाहर, क्लियर हो गया होगा लोगों को। तो डायरेक्टली आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, किसको याद हो गया, ओके तो बोलेंगे जल्दी से, आई क्रॉस जे की वैल्यू कितनी है, जे की वैल्यू बताओ, जे की वैल्यू, जे की वैल्यू यहाँ से बोलो, जे की वैल्यू के क्रॉस आई, जे की वैल्यू और आई की वैल्यू, तो बोथ वे में याद होना, आई जे के होता, आई क्रॉस जे के होता है, या के की वैल्यू आई क्रॉस जे बता होता, आई क्रॉस जे के होता है, या के की वैल्यू किसके बराबर होती है, आई क्रॉस जे के बराबर होती है, बोथ वे में यूज करेंगे आप। अगर यहाँ से तो मोस्टली लोग ये याद रखते हैं कि आई क्रॉस जे के होता है, बट रिवर्स तुम याद रखोगे तुम उनसे आगे निकल रहे हो, तो बोथ वे में आपने सुन लिया। बाकी न्यूटन ने इसको समझाने के लिए बोला कि ऐसा करो तुम, उसने बोला कि आई जे के तीन सर्कल में लिख दो, आई एंड जे एंड के लिख दो ऐसा सर्कल में, ठीक है,
और इनमें से किसी दो का ले लो क्रॉस, आज उनका जो क्रॉस लेते समय जो डायरेक्शन जाने का है वो एंटी क्लॉकवाइज हो तो प्लस में आएगा। जैसे यहाँ तीन लिख दिया आई जे के, और यहाँ से यहाँ जा रहे हैं आई से जे की तरफ जा रहे हैं, तो कौन से डायरेक्शन जा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज में। तो आई क्रॉस जे की वैल्यू प्लस की होगी, या यहाँ पे जे क्रॉस के की वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो प्लस आई, या के क्रॉस आई की वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो प्लस जे के बराबर हो जाएगी, और क्लॉकवाइज में जाओ तो जे क्रॉस आई है, जे से आई की तरफ जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो डेट विल इक्वल टू बराबर, तो तीसरे के बराबर होगा ये। जब दो डिस्टिंक्ट लोग आई जे के में दो डिस्टिंक्ट लोग तीसरे के बराबर होगा, कन्फ्यूजन किसके बराबर हो रहा है? तो प्लस होगा या माइनस होगा? तो प्लस और माइनस के लिए क्या बताया उसने कि ऐसा आई जे के लिखो अगर एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो रहा तो क्या लोगे तुम? पॉजिटिव लोगो, और क्लॉकवाइज में जा रहे हो तो वही वाला क्लॉकवाइज होगा ना, वही स्क्रू वाला नियम ही है, स्क्रू वाला नियम से ही तो उन्होंने कनेक्ट किया। तो आई क्रॉस जे सामने दिखा दिया कि न्यूटन ने जो समझाया था, और वैसे जनरल नॉलेज आजकल न्यूटन वाले पुराने हो चुका है, आप सिंपल से याद रखें आई जे जे के आई, आई जे जे के ए बी सी डी नहीं, 26 नहीं याद करना, आई जे जे के आई जे जे के आई बस फिनिश। तो आई जे जे के आई इस ऑर्डर में लिखेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? आई जे जे के और के आई फिनिश। और अगर ये नहीं लिखा, ये लिखा हुआ नहीं मिला तो माइनस लगा देंगे, इसके अलावा कुछ लिखा हुआ मिला, समझ आई बात नहीं है? आई के लिखा हुआ लिखा, आई 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 क्रॉस के लिखा हुआ, समझ नहीं आई बात? तो कर लोगे, अब बोलोगे ये क्या क्यों करवा रहे हो, तो डायरेक्शन निकालने में ये यूज होता है, हर एक किताब का सवाल होता है जो डायरेक्शन निकालने के लिए बताया तो वो यही है कि सवाल रहेगा आई क्रॉस जे पे क्या सवाल होता है, आई क्रॉस जे पे क्या सवाल होता है, ध्यान से देखोगे क्वेश्चन में लिख रहा है कि एक वेक्टर ए है, वेक्टर ए कौन से डायरेक्शन में? ईस्ट में, यही सवाल रहेगा, वेक्टर ए कहाँ है? और वेक्टर बी नॉर्थ में, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताओ। सवाल में जहाँ करोगे तो यहाँ पे जो बोल रहा हूँ मैं कि पूरे फिजिक्स में डायरेक्शन निकालने के लिए जो बात होती है तो ए क्रॉस प्रोडक्ट से निकल जाता डायरेक्शन, और निकालने के लिए तो इसी का यूज करना होगा, इसी का क्या यूज करना होगा, इसी रिजल्ट का यूज करना होगा। सवाल कैसे रहेगा? तो लिखा रहा है एक वेक्टर ए है जिसका डायरेक्शन और दूसरा वेक्टर बी है नॉर्थ में, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताएं आप लोग, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताएं, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन वो बोलेगा पूछेगा, तो अब तुम क्या करो, ए का मतलब आई है और बी का मतलब, तो आई क्रॉस जे की वैल्यू इतनी होती कितनी है, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या हो गया? प्लस के कैप प्लेन के पैरेलल बाहर की तरफ, प्लेन के पैरेलल बाहर की तरफ, प्लस के कैप दिया तो प्लस के कैप आंसर हो गया, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटसाइड, प्लेन के परपेंडिकुलर या प्लस जेड एक्सिस पॉजिटिव है, क्षमा जाए बात नहीं, यूनिवर्सल नियम है, हर एक किताब में मिलेगा ये, दो कोई वेक्टर दिए रहेंगे और उनका डायरेक्शन क्रॉस का डायरेक्शन बताओ, हाँ या नहीं? समझ नहीं आया कुछ? या वाइस वर्सा भी सवाल होता, वाइस वर्सा क्या सवाल बनेगा ध्यान देखोगे, यहाँ पे ऐसा बोल देगा कि ए कहाँ हमारा, ए ईस्ट में और ए क्रॉस बी, तो ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन के कैप में, तो बी का डायरेक्शन बताओ, समझ नहीं आया बात? मैं क्या बोलना चाहता, तीन लोग होते हैं, कितने लोग होते हैं? ए बी एंड ए क्रॉस बी, तो या तो क्वेश्चन में ए एंड बी एंड दिया रहेगा ए क्रॉस बी पूछेंगे, या ए दिया रहेगा और ए क्रॉस बी दिया रहेगा, और तो दो चीज दिया रहेगा, तीसरा तुम इंश्योर कर लोगे, फिर से दिया ए क्रॉस बी कितना दिया हुआ के कैप, यहाँ पे एक जगह पर क्या रखेंगे आई, तो अपने आप बी का आई क्रॉस, जब हम जानते हैं आई क्रॉस जे क्या होता हमारा के होता, तो बी का डायरेक्शन क्या आ जाएगा? जे आ जाएगा, जे मतलब नॉर्थ आ गया, तो बोथ वे में क्वेश्चंस रहेंगे, किसी को दिक्कत है बता देगा। डायरेक्शन निकालने के लिए खुल्लम खुल्ली यूज होता है, तो अब आ जाए क्रॉस प्रोडक्ट निकालने जा रहा हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट में चलें, अभी तक जो पढ़ा था हम लोग असेंबल कर लें, ये क्या क्या पढ़ा, हमें आगे प्रोग्रेस करना तो जरूरी है कि हम जो पढ़ते थे उसको क्या करें, रिकैप करें, तो हमें कितना असेंबल हो रहा है, हमारे हाथ में कितना आ जा रहा है, क्षमा जाए बात नहीं, जमा कितना हो रहा है हमारे अंदर, स्टोर कितना हो रहा है, ऐसा नहीं कि इनकमिंग आया गया भी गया भी, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो है तो हमें कितना स्टोर किया वो हमें मैटर करेगा, तो मैटर क्या कहते हैं, पाँच बातें मैं बोल दे रहा हूँ पहले, उसके बाद जो है तो आप देख लेंगे। डिफिनेशन क्या था, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, दैट इज बना पॉइंट। अनदर पॉइंट क्या बताया कि ए क्रॉस बी जो होता तो जितने भी ए एंड बी के म्यूचुअल लीनियर कम्बिनेशन होते हैं,
सभी परपेंडिकुलर होता है। ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए, परपेंडिकुलर टू बी, परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी, परपेंडिकुलर टू ए माइनस बी, परपेंडिकुलर टू सेवन ए, परपेंडिकुलर टू फाइव बी, परपेंडिकुलर टू सेवन ए प्लस फाइव बी, परपेंडिकुलर टू सेवन ए माइनस फाइव बी, ऐसे सारे कॉम्बिनेशन पे क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। ए एंड डायरेक्शन ऑफ ए दिया हुआ, ए किधर है हमारा? ईस्ट में। एंड ए क्रॉस बी इज अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, ए क्रॉस बी इज अलोंग, तो डायरेक्शन ऑफ बी बताना, बी का डायरेक्शन। तो बी का डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो वही रिजल्ट है, हमारे पास दो लोग दिया हुआ ना यहाँ पे, ए का डायरेक्शन किधर है हमारा? ईस्ट में। ए का डायरेक्शन किधर है हमारा? ईस्ट में। और ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के बारे में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, बोलो कितना लिखूं यहाँ पे? यहाँ तक ठीक है, ए का भी पता है हमें, आई क्रॉस, आई क्रॉस किसका लेंगे यहाँ पे? हमें पता है कि ये दोनों आई और के दिया हुआ, हमें पता है कि प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस जी या माइनस जी, हमें इतना पता है कन्फर्म है। क्वेश्चन में आई एंड के दिया हुआ, तो आई और के तो आंसर में होना नहीं है, होना क्या है? जे या माइनस जे, जे या, अब आंसर में जे भी रहेगा माइनस जे भी रहेगा, आंसर में चार होते हैं ना, तो चार में दो तो वैसे बेकार है। हम क्वेश्चन देखने के साथ ही बोले कि हमारे क्वेश्चन में मेंशन किया आई एंड के, तो आई एंड के तो आंसर होना नहीं है, होना क्या है? जे या प्लस जे या माइनस जे, तो चार में दो हमारे काम का। अब दो में एग्जैक्टली तो देखेंगे, पहला वाला आई है और यहाँ पे क्या था? प्लस के लिखा हुआ, हम जानते हैं कि आई यहाँ पे जे भरेंगे, प्लस जे भरेंगे या माइनस जे भरेंगे, तो आई प्लस जे भरेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस के हो जाएगा, समझ आई बात नहीं? तो बी का डायरेक्शन क्या टिकआउट करेंगे? प्लस जे टिकआउट करेंगे, क्या टिकआउट करेंगे? समझ आई बात? जैसे दो लोग क्वेश्चन में इन्फॉर्म करिए तो वो दोनों तो नहीं होना, वो दोनों तो नहीं होना। एक वर्टिकली डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा है और वर्टिकली डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा है, एक किधर कर रहा है? ईस्ट में। और दूसरा जो बी है, बी ये था वर्टिकली डाउनवर्ड और बी ईस्ट, तो ए क्रॉस बी इसका निकालना है आपको, इसका निकालना है, ये निकालना है, क्या निकालना? चले तो ये इतना ही निकालना हो, या तो ए क्रॉस बी या बी क्रॉस यही पूछेंगे कुछ, ए और बी दे दिया तो इतना ही पूछेंगे ना। तो ध्यान दे, ए क्रॉस बी क्या, ए किधर है हमारा? वर्टिकल डाउनवर्ड, ए किधर हमारा? अब बी किधर हमारा? तो डेफिनेटली बी किधर हो गया हमारा? आई कैप किधर हो गया हमारा? और डेट विल बी, अब जो है ना यहाँ पे इंश्योर करो वर्टिकल डाउनवर्ड, एक कन्वेंशन ये भी होता है, इस वर्टिकल डाउनवर्ड को क्या लेते हैं हम लोग? तो माइनस जे भी लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग? वो डिपेंडिंग ऑन कि वहाँ पे क्या कन्वेंशन माना, चार ऑप्शन दिए होंगे वहाँ से भी हम लोग कुछ निकालते हैं, समझ आई बात नहीं है? चार ऑप्शन दिया तो उससे भी कुछ निकालना पड़ता है फिजिक्स में, जहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो वर्टिकल डाउनवर्ड का एक कन्वेंशन क्या बोलता है कि माइनस जे कैप लो, एक वर्टिकली अप वर्टिकली डाउन, तो माइनस जे लोगे तो माइनस जे कितना आ जाएगा हमारा? जे क्रॉस आई कितना होता है? जे क्रॉस आई ये माइनस तो बाहर में है ना, जे क्रॉस आई कितना होता है? जे क्रॉस आई कितना होता है? माइनस के, तो माइनस के ऐसा लिखोगे, ध्यान सुनोगे, पहले तो एक कन्वेंशन ऐसा होता, ध्यान देख लोगे तो डायरेक्टली यहाँ पे प्लस किया गया, बट यहाँ पे देखोगे ये कहाँ पे डिपेंड करेगा? क्वेश्चन के अनुसार डिपेंड करता है। एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिले, एक से दो क्वेश्चन आपको किताबों में मिलेंगे जहाँ पे उसने लिखा क्या है वैसे वर्टिकली डाउनवर्ड और वर्टिकली अपवर्ड। के जो है प्लेन का परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, और के का प्लेन का परपेंडिकुलर अंदर की तरफ होता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं ले सकते, के का डायरेक्शन नहीं नहीं आ रहे हैं उस पर, आ रहे हैं बता रहा हूँ, दो कन्वेंशन होते हैं, क्या बोलते हैं इसको? बोला है कि एक क्या हमारा वर्टिकली
एक मिनट सुनिए तो, वर्टिकली डाउनवर्ड ये क्या है? नहीं नहीं सुनिए तो, पहले पूरा तो बात सुने। ए वर्टिकली डाउनवर्ड और बी क्या हमारा? ईस्ट। एक कन्वेंशन होता है जहाँ पे हमारे आंसर में, यही बताया आपको कि वहाँ पे हमें आंसर देख के ध्यान देना होता कि अगर हमारे आंसर में ये, इसको हमने अभी क्या माना, अभी हमने इसको बी को, ए को कितना माना? जे माना। मतलब जे को हम लोग कितना मान रहे हैं? नॉर्थ। नॉर्थ है साउथ यूज कर रहे हैं। वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड को क्या यूज कर रहे हैं? नॉर्थ साउथ यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये कब यूज करेंगे? जब हमारे आंसर में नॉर्थ साउथ यूज नहीं होना हमारे आंसर में। मैं बोलना चाहता हूँ एक से दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहां पे हम लोग ऐसा यूज करते हैं, वर्टिकली अप, वर्टिकली अप या वर्टिकली डाउन, वर्टिकली अप, वर्टिकली डाउन। एक से दो क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं इनको, वर्टिकली अप, वर्टिकल डाउन को। तो वर्टिकली अप को प्लस जे कैप और इसको क्या मानते हैं? माइनस जे कैप। एक से दो क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे, तो ये कहाँ से डिसाइड होता है कि प्लस जी और माइनस जी मानू? ऑप्शन देखते हुए मानना पड़ता, समझ आई बात नहीं? क्योंकि इसका दूसरा ये भी मीनिंग होता कि वर्टिकली आपका मतलब प्लस के कैप भी होता, प्लस के कैप और माइनस के कैप, ये भी मीनिंग होता। समझ आया कुछ? तो ये तुम बोलो कि ये मानूंगा या ये मानूंगा, ये कहाँ से पता चलेगा? ऑप्शन से पता चलेगा। तो ऑप्शन में ये बोल रहे हैं कि जो ऑप्शन दिया हुआ, कि जो डायरेक्शन वर्टिकली अप और वर्टिकल डाउन दिया हुआ, तो वहां पे आंसर दिया हुआ किसके, जो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन निकालने बोल रहा, तो उसमें कौन सा डायरेक्शन बोल रहा? वो साउथ या नॉर्थ का आंसर दे रहा है ना ऑप्शन में, ऑप्शन में क्या दे रहा? तो वर्टिकली अप को यहाँ पे क्या लेंगे? प्लस के कैप, और वर्टिकल डाउन को क्या लेंगे? माइनस के कैप लेंगे। समझ आई बात नहीं आई? वर्टिकली डाउन को यहाँ पे क्या लेंगे? तो बेसिकली वहां पे जो क्वेश्चन है, तो वर्टिकल डाउन उसने बोला, ए को क्या बोला उसने? ये जो है वर्टिकली डाउन, और बी क्या बोला? ईस्ट। तो बेसिकली वो बोलना चाह रहा है कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन मतलब ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कौन बताएगा? माइनस के क्रॉस। तो माइनस के क्रॉस आई कितना होता है? तो के क्रॉस आई तो जे कैप, तो माइनस जे कैप। तब क्या बताएंगे इसके बारे में? साउथ। तो इंश्योर करेंगे दोनों डिफिनेशन की जरूरत पड़ेगी। जहां पे ऑप्शन में दिया हुआ है नॉर्थ साउथ, तो वर्टिकली डाउन, वर्टिकली आपको क्या लेके चलते हैं हम लोग? प्लस के माइनस के। समझ आई बात नहीं आई? ये कुछ जगह पे ऑब्जेक्टिव में तो कंफ्यूजन वाले पार्ट आते हैं जहां पे हम लोग वहां से ही काम करते हैं, ऑप्शन से ही काम करना पड़ता है हमें। चले आगे देखेंगे, मूव करेंगे। डायरेक्शन निकालने में किसी को दिक्कत चल रही है? हम लोग क्या कर रहे थे? आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई। तो इनका डायरेक्शन आपको देख लिया, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे के बराबर होता है, जे क्रॉस के आई के बराबर, और के क्रॉस आई किसके बराबर? जे के बराबर होता है। या उसको उल्टा सीधा कर देंगे तो माइनस में चला जाएगा। डायरेक्शन निकालने का यही नियम है। तो क्या कर रहे थे हम लोग? परपेंडिकुलर देख लिया, उसके अलावा एक क्या देख लिया? पैरेलल का नियम, पैरेलल का नियम, पैरेलल का नियम, पैरेलल का नियम, पैरेलल का नियम। इसको कोई उतारना चाहता है तो देख लिया क्या उतारना है, इसमें ध्यान सुनेगा। उसमें उतारने लायक कुछ नहीं है, हमें याद रखना क्या है? आई क्रॉस जे क्या होता है? क्या होता है? इसमें यह बोलना चाहता हूँ कि ध्यान सुनोगे, कन्फ्यूजन बस इतना ही है कि एक एक टाइप ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे क्या लिख रहा था? वर्टिकली अप, वर्टिकल डाउन। तो वर्टिकली अप, वर्टिकली डाउन को दोनों कन्वेंशन मानते हैं। वर्टिकली अप इसको भी बोलते हैं जे, और वर्टिकल डाउन या वर्टिकली अप प्लस के को भी यूज करते हैं। और तो कहाँ पे वर्टिकली अप का मतलब, वर्टिकली अप का मतलब प्लस के कहाँ पे होगा? तो जहाँ पे ऑप्शन में नॉर्थ साउथ इन्वॉल्व हो गया, तो वहाँ वर्टिकली आपका मतलब प्लस के, वर्टिकल डाउन का मतलब माइनस के। और जहाँ पे डायरेक्शन में ऐसे दिए रहे, ध्यान दोगे, एक वेक्टर वर्टिकली अपवर्ड है, एक वेक्टर वर्टिकली अपवर्ड है, और दूसरे वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है। दो वेक्टर हमने बोला आपको क्या मजा आया, एक वर्टिकली अपवर्ड है और दूसरा किधर है? प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है। यहां से क्लियर हो जाएगा, एक वेक्टर वर्टिकली अपवर्ड है और दूसरा प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है। तो प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है तो क्या हो गया? के कैप। और एक वर्टिकली अपवर्ड है तो प्लस जे कैप। अब इन जे क्रॉस के का डायरेक्शन निकालो, जे क्रॉस, या एक वेक्टर वर्टिकली अपवर्ड है, एक वेक्टर, वेक्टर ए जो है वर्टिकली अपवर्ड है और दूसरा प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ,
ये प्लेन का परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ये आउटवर्ड और ये अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब क्या बोलोगे? यहाँ पे एक आउटवर्ड बोल दिया ना, तो आउटवर्ड का मतलब डेफिनेटली क्या हो गया? प्लस के हो गया। और अपवर्ड का मतलब यहाँ पे क्या लेना है? जे लेना। अब ए क्रॉस बी निकालना, तो ए क्रॉस बी तो डेट विल बी जे क्रॉस के, तो कितना आ जाएगा? तो क्या आंसर देंगे आप? आई कैप आगे मित्र हिस्ट्री देंगे। क्या देंगे आप? हर एक किताब में सवाल आइए। आठ नंबर रिजल्टेंट ऑफ टू मैग्नीट्यूड पी एंड क्यू एट एन एंगल 60 डिग्री रूट्स, तो पी डॉट क्यू है, पी बाई क्यू, पी एंड क्यू का तो रिजल्टेंट वाले फार्मूले डाल दो ना। आर स्क्वायर इक्वल कितना होता चले कर ले, इनका एक डाउट है। बाकी जो है ना ऐसे जो डाउट होते तो क्लास के बाद पूछा करें, ठीक है? जैसे अभी हम लोग तो हमें क्या करना है, हमें करना है पूरा सिलेबस पढ़ना है, रिवीजन करना है। समझ आई बात नहीं आई? तो बीच में स्पीड हमने ब्रेक नहीं करना। आपके जो डाउट हैं तो बीच बीच में ना पूछें, आप एक साथ जो क्लास खत्म होती है उसके बाद पूछें, ठीक है? बाकी देख लें क्या बोल रहा हूँ, आर के वैल्यू कितना बोल रहे हो तुम? आर इक्वल टू तो 7q² हो जाएगा और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टू, पी कितना दिया हुआ? पी नहीं दिया हुआ। क्यू कितना दिया हुआ? क्यू भी नहीं दिया हुआ। और कितना दिया हुआ? तो थीटा की वैल्यू कॉस 60 डिग्री 1/2 हो गया, तो 1/2 खत्म हो गई बात। सिंपलीफाई कर लोगे? कौन बताएगा कितना आ जा रहा आगे? आर स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, क्यू स्क्वायर मारा जाएगा कितना बन गया? पी स्क्वायर माइनस 7q² या ऐसा कर लें 6q² माइनस पी स्क्वायर माइनस pq इजिकल टू कितना? ऐसा इक्वेशन बन गया 6q² माइनस पी स्क्वायर माइनस pq डेट विल इक्वल टू 0। तो p एंड q का रेशियो निकालना, या p q एंड p का रेशियो, किसी का भी रेशियो निकालना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, निकल जाएगा? नहीं निकल पाएगा आपसे। p एंड q का रेशियो निकालना, p एंड q का रेशियो निकालना, या q एंड p का रेशियो निकालना। किसका निकालना? p एंड q का क्या? q एंड p का, p अपॉन q का। देख ले इधर, इसको p p p में कर दो, p स्क्वायर प्लस pq लिख लो, p स्क्वायर प्लस pq माइनस 6q², कोई दिक्कत किसी को? तो डायरेक्ट भी इसको क्यू से डिवाइड कर लो पूरे को, क्यू स्क्वायर से डिवाइड कर लो तो क्या बन जाएगा? ये पी बटे क्यू का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या बन जाएगा? और माइनस इजिकल टू 0। ऐसा इक्वेशन बन गया। अब फैक्टराइज कर लोगे पी बटे क्यू प्लस 3 और पी बटे क्यू डायरेक्ट भी इक्वल टू, ये दोनों सही लिखा, इनका फैक्टर यही बनेगा, कुछ और बनेगा? ऐसा इक्वेशन तो आपने सुन किया होगा ना, सोल वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6। अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा इक्वेशन सोल्व किया नहीं किया? वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस सिक्स इक्वल टू कितना? 0। इसका फैक्टर यही लिखता ना, वाई प्लस 3 वाई माइनस 2, या कुछ और होता? यहाँ से इसका फैक्टर कर लोगे, पी प्लस क्यू की वैल्यू या तो कितनी आ जाएगी हमारी, या फिर कितनी आ जाएगी, जो ऑप्शन रहेगा टिक आउट कर लोगे। आगे मूव करें, रिजल्टेंट का फार्मूला पे डायरेक्ट सवाल था, बाकी लेकर कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। आगे मूव करेंगे, क्या करेंगे आप? हम लोग कर रहे थे ए क्रॉस बी की वैल्यू ए बी साइन थीटा एन कैप, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए के बीच का एंगल 180 डिग्री। एन कैप क्या होता है बोलेगा लोग, एक साथ बोलेगा एन कैप क्या होता है? जो नहीं बोल रहा उसका मुंह को हिला देगा एक बार, जो नहीं बोल रहा उसके मुंह को हिला देगा। क्यों हिला देगा उसको? क्योंकि रात में ज़्यादा चढ़ाया उसने, अभी तक उसका उतरा नहीं है, उसको थोड़ा हिलाओगे कि तो जाग जाएगा वो। समझ आई बात नहीं आई?
मैं पता हुआ ना, काफी लोग जो है रात में इतना चढ़ाते हैं कि सुबह सुबह जाकर नल पे बोलते हैं तुम चुप हो जाओ, रो क्यों रहे हो। तो ऐसे भी होता। तो फिलहाल देखेंगे, आपसे बोलेगा कि ए क्रॉस बी के वैल्यू, सब बोलेगा ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, सब लोग बोलेगा ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस बी इक्वल टू एन कैप। क्या होता है? एक ही लोगों का आवाज आ रहा, बाकी लोग कहाँ हैं? एन कैप क्या होता है? एन कैप किस पे परपेंडिकुलर होता है? ए पे, बी पे, ए प्लस बी पे, ए माइनस बी पे। तो ऐसे आपने देख लिया। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर कितने यूनिट वेक्टर होते हैं? दो होते हैं। हम दो, हमारे दो, ए वन आई, ए टू जे, ए थ्री के। अब क्या निकालना जा रहा हूँ? ए क्रॉस बी के वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। ए क्रॉस बी के वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। सब लोग कलम बंद करके रख लेगा। ए वन आई, ए टू जे, ए थ्री के, बी वन आई, बी टू जे, बी थ्री के। अब ये कलम बंद करके एक बार देख लेगा। ऐसे ऐसे करते हैं, मोस्टली लोगों को पता होगा क्या ऐसे ऐसे निकाला जाता है। ए क्रॉस बी के वैल्यू निकालना, हमें ए क्रॉस बी के वैल्यू निकालना, ए क्रॉस बी के वैल्यू निकालना, ए क्रॉस बी के वैल्यू निकालना। ऊपर देगा आएगा किस में? आई जे के फॉर्म में आएगा। ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ, मतलब ए क्रॉस बी निकाल रहा हूँ। देख लो, प्लस आई लिखते हैं, माइनस जे लिखते हैं, प्लस के लिखते हैं, अल्टरनेट लिखते हैं, अल्टरनेट लिखते हैं ऐसा, प्लस आई माइनस जे प्लस के। जब वेक्टर आई जे के में दिया रहेगा, ए क्रॉस बी निकालोगे तो डेफिनेटली क्या आएगा? वेक्टर आएगा। आज जब आएगा तो उसका फॉर्मेट ऐसा तैयार करते हैं, पहले जो टर्म आते हैं तो आई कैप आता है बीच में, माइनस जे कैप, और फिर क्या आता है इसको क्या बोलते हैं कि अल्टरनेट लेते हैं, अल्टरनेट प्लस एंड माइनस लेते हैं। पहले प्लस लिया, फिर माइनस लिया, फिर प्लस लिया, ठीक है यहाँ तक? अब ध्यान से देखो, आई तो बाहर आया, बाद में यहाँ पे क्या आएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे बॉक्स में क्या आएगी, ध्यान से देखो इधर। तो जब आई लिखते हैं यहाँ पे, तो ये टर्म को छोड़ दोगे, आई वाला को छोड़ दोगे, और बाकी जे एंड के भी छोड़ दोगे। हमारे जो आई जे के, इन सभी का काम कर दिया हमने। अब हमें इनके कोएफिशिएंट से मतलब है, ए वन, ए टू, ए थ्री, बी वन, बी टू, आई जे के, ऐसा माने कि वहाँ पे नहीं लिखा हुआ, वहाँ लिखा हुआ है ही नहीं, वहाँ इंश्योर करेंगे आपको लग रहा है कि वहाँ पे है ही नहीं, है आई वगैरह है ही नहीं, बस इतना आई जे का जो काम होना था लिख दिया गया वहाँ पे। अब बचा क्या? तो ऐसा बच गया। अब आई के साथ यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान दोगे तो क्या करते थे, ये आई यहाँ पे था, आई के साथ वाले, तो ऐसे वाले चीज़ों को हटा दोगे, आई के साथ वाले दोनों को क्या कर दोगे, आई के साथ ये दोनों थे, हटा दिया, बच्चा क्या, ये हटा दोगे तो ये बचेगा, बस ये दोनों को हटा दिया तो बस इतना ही बच जाएगा। अब इन दोनों को तिरछा मल्टीप्लाई करते हैं, ए टू बी थ्री, और फिर ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ए थ्री बी टू, और बीच में माइनस साइन, बीच में ये सब सिर्फ इसी को देखेंगे। ऐसा जब आई के साथ लिखेंगे तो ये गायब हो गया, ये वाला चीज़ गायब हो गया, बचा क्या हमारे पास? तो ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू, ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू, ए थ्री बी टू। अब यहाँ माइनस जे वाला लिखना है तो बीच वाला गायब कर दोगे, अब फिर से तिरछा मल्टीप्लाई करोगे, ए वन बी थ्री, ए थ्री बी वन, ए वन बी थ्री माइनस ए थ्री बी वन। ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए सीख रहे हैं, ऑलरेडी सब लोग जानते हैं, एक बार फिर से तो रिमाइंडर ले रहे हैं हम लोग। ए वन बी थ्री माइनस ए थ्री बी वन, और फिर जो है तो जब के वाला लिखेंगे तो ये गायब कर दोगे, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। तो ऐसा करने से ए क्रॉस बी की वैल्यू निकल गई, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ए क्रॉस बी की वैल्यू निकल के आ गई। पहले अल्टरनेट लिख देते हैं, आई प्लस आई माइनस जे प्लस के, और फिर क्या करना है आपको? तो आई वाले का जो वैल्यू निकालना है तो उसके लिए क्या करते हैं, आई वाले को हटा देते हैं, और बाकी ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू। जे वाला के लिखना माइनस जे के लिए, तो इसको हटा देंगे, ए वन बी थ्री माइनस ए थ्री बी वन। अब के वाले के लिखना ए वन बी टू माइनस ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ए वन बी टू माइनस ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। क्लियर हो गया लोगों को? तो या तो जब वेक्टर से आई जे के में दिया रहेगा तो ऐसे डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट कर लें। ये कॉम्पैक्ट मेथड बोलते हैं कि फटाफट ये हमें क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ तो वहाँ से डायरेक्ट ऐसे ही कर लेंगे। अगर या दूसरा तरीका ये होता है कि ध्यान देखोगे
न्यूटन ने जो समझाया, न्यूटन ने बताया कि पहले क्या करो, तो ए क्रॉस बी निकालना, तो दो ऐसे वर्टिकल लाइन खींचो, और वर्टिकल लाइन में तो ऐसे तीन हॉरिजॉन्टल रो होते हैं, और तीन ऐसे वर्टिकल क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। ए क्रॉस बी निकालना तो पहले रो में आई लिखो, जे लिखो, के लिखो, और दूसरे रो में फर्स्ट वेक्टर का कोएफिशिएंट लिखो, ए वन, ए टू, ए थ्री, और तीसरे रो में ए क्रॉस बी निकालने के लिए न्यूटन ने ऐसा एक बताया कि प्ले करो ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालने के लिए, तो पहले रो में क्या लिख लोगे, आई जे के, और दूसरे रो में ए वन, ए टू, ए थ्री, और तीसरे रो में वेक्टर ए का कोएफिशिएंट, वेक्टर बी का कोएफिशिएंट, ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं हम लोग। और फिर से तो इसी को तो इवैल्यूएट करने के लिए उसने बताया, बचपन में सीना सुना होगा इसको क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट, या मैट्रिसेस का एक पार्ट होता है, स्पेशल केस होता है, प्लस आई माइनस जे प्लस के। अब खोलने के लिए उसने सिखाया कैसे खोलोगे इसको, ऊपर पहले बॉक्स बनाते हैं, न्यूटन ने ऐसा सिखाया था, आई जे के ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री, पहले आई फिर माइनस जे फिर प्लस के। अब यहाँ पे बोलते हैं क्या, तो जब आई के लिए लिखोगे तो आई वाला तो रो और कॉलम हटा दो, उसी चीज़ को समझा रहा हूँ, फिर से अल्टरनेटिव भी समझा रहा हूँ, सेम ही चीज़ को समझा रहा हूँ, न्यूटन ने ऐसा ही समझाया था। तो क्या करो, ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू, तिरछा मल्टीप्लाई करोगे, ए डेट विल बी ए टू बी थ्री, ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू, जे वाले के लिए जे वाले को हटा दोगे, ऐसा जे के साथ वाले कॉलम और रो को हटा दो, क्या बच गया, ए वन बी थ्री माइनस ए थ्री बी वन, ए वन बी थ्री, ए वन बी थ्री माइनस ए थ्री बी वन। अब के वाले के लिए, तो के वाले के लिए तो ये हटा दोगे, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, क्या बच जा रहा है, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू निकल के आ गई। सात जगहों पे मैंने करवा रखा हूँ कि ऑलमोस्ट हर एक साल इस पर एक क्वेश्चन रहते रहते हैं, किसी भी साल किसी भी टाइप का एग्जाम दे रहे हो, बारहवीं लेवल पे जो एग्जाम होता है, तो उस एग्जाम में डेफिनेटली एक क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तो रहेगा रहेगा। क्रॉस प्रोडक्ट का कौन सा वाला पार्ट, जो फिजिक्स वाला एप्लीकेशन है, जिसका इस बार का एग्जाम्पल बताया कि करंट दिया हुआ था, लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दिया हुआ था, और फोर्स वेक्टर निकालना था, आई एल क्रॉस बी की वैल्यू निकाल, तो जैसे क्रॉस करते तो ऐसे कुछ आ जाता वैल्यू, तो एक आई जे के में ऑप्शन नहीं दिया था, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला था, क्या निकालने के लिए था, मैग्नीट्यूड, समझ आ गई बात। तो डेट विल बी, तो डेफिनेटली हर एक साल ऑलमोस्ट हुआ कि हर एक साल एक क्वेश्चन रहता डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट लेने का, यूजुअली पहले जो थे तो टॉर्क निकालने के रहते थे, क्या रहते थे, इससे पहले जाओ तो हर एक साल एक टॉर्क के क्वेश्चन देते थे, पाँच छः सालों से लगातार, जहाँ पर आर वेक्टर दिया रहता था, एफ वेक्टर दिया रहता था, क्या निकालें, टॉर्क वेक्टर निकाला, तो आर क्रॉस एफ कर देंगे तो निकल के आ जाएगा। और यह जो सात जो आप फार्मूला लिखवाया है क्रॉस का, तो किसी को भी पूछ सकते हैं, वो फिलहाल आपने देख लिया था, एक जल्दी से तो वैल्यू पुट कर दें, आप प्रैक्टिस कर लेंगे, दो एक वेक्टर दिया हो, दूसरा वेक्टर दिया हो, कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपको मन कर रहा है ऐसे बना के करना तो ऐसे बना के कर लें, या नहीं मन कर रहा तो क्या करें, डायरेक्ट ए क्रॉस बी निकालना, तो पहले क्या बताया था लिखने के लिए, डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करें, आई होता है और माइनस जे होता है, फिर क्या होता है, और यहीं से गए तो आपको जल्दी जल्दी कर लें, वहीं पर जब आई लिखेंगे तो आई वाले छोड़ के तो तिरछा मल्टीप्लाई कर लें, अभी चाहे माइनस कर दें, समझ आई बात नहीं आई, तो जैसे फटाफट जल्दी से देखते हैं कौन कर पा रहा है, जल्दी से देखते हैं किसका आंसर आ गया सही सही। हाँ जी, बीच में दोनों में थ्री जी है, टू आई प्लस थ्री जी प्लस फोर के, फोर आई प्लस थ्री जी प्लस टू के, ओके आई कंपोनेंट एंड के कंपोनेंट माइनस में आ रहा है और जे कंपोनेंट प्लस में आ रहा है, ओके बहुत आसान है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं निकालना तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट खोज लिया लोगों ने, ए क्रॉस बी की वैल्यू तो पहले क्या लिखना था बाहर में, आई कैप, आई कैप करना था, ये हटा देना, इसको गैस गुना करना था, तो छः माइनस बारह, छः ऐसा हो गया, उधर वाला बारह हो गया, डाटली सिक्स माइनस ट्वेल्व, ये माइनस जी आना था, ये हटा दोगे इसको,
तो ये कितना हो गया, 4 माइनस 16 और के वाले के लिए, तो के वाले के लिए हटाना था तो 6 माइनस 12 तो हर एक बच्चा बोल रहा -6i कैप, तो ए क्रॉस बी निकाल लिया, मतलब ए क्रॉस बी निकाल लिया तो क्या क्या निकल गया, तुम ए क्रॉस बी नहीं निकाला सिर्फ क्या क्या निकाल लिया, कल को बोल दिया कि ए जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है ये पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स हैं, तो पैरेललोग्राम का एरिया निकल के आ गया, पैरेललोग्राम का एरिया निकल के आ गया, अगर ऑप्शन में एरिया दिया हुआ, एरिया वेक्टर में दिया हुआ तो यही टिक आउट कर दोगे, समटाइम्स मैग्नीट्यूड में दिए रहते हैं क्योंकि एरिया को बताया था कि वेक्टर और एज वेल एज स्केलर दोनों तरह से ट्रीट करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा था, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, मैग्नीट्यूड निकालोगे रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो 6 कॉमन हो जाएगा तो 6√6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, समझ आ गया लोगों को, या जो भी आएगा तो देख लोगे तुम, इसका मैग्नीट्यूड तो निकाल लोगे, कल को ये सवाल होता ध्यान से देखोगे, ए एंड बी दो वेक्टर हैं, ए एंड बी दो वेक्टर हैं, इन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर निकालो, फाइंड ए यूनिट वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू बोथ, फाइंड ए यूनिट वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू बोथ, एन कैप निकालना, फाइंड ए यूनिट वेक्टर, ये क्वेश्चंस तो मैं ए क्रॉस बी निकालने का रहेगा तो मोस्टली लोग निकाल लेते हैं, इसी में कुछ लोग पूछने आते हैं कि ए एंड बी के म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर बताओ, ए एंड बी दो वेक्टर हैं उनके म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर कैसे निकालूं, तो उनके म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर कैसे निकाल लोगे, गुड, तो वेक्टर को ऊपर रख देंगे और नीचे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे, यहाँ पे वेक्टर ऊपर लिख दिया उसके मैग्नीट्यूड को नीचे रख देंगे, आप कितना आ जा रहा है मैग्नीट्यूड, यस यस यस, तो डेट विल -6i कैप प्लस 12j कैप -6k कैप, और नीचे में मैग्नीट्यूड यस यस यस, 6 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 6 बाहर ले लेंगे तो 1 प्लस, यहाँ कितना हो 4 हो गया, 1 प्लस 4 प्लस 1 1 प्लस 4 प्लस, हाँ हो कहाँ पे हो, हाँ पहचान रहा यार, अरे MBBS भी हो गया, हाँ तो इन लोग कुछ ज्ञान व्यन दो, MBBS करके आए हैं आप जो करना चाहते हैं उनके, तो आपके लिए तो क्या है ये, बस यही है बेटा कि जो पढ़ो ना एटलीस्ट ढंग से करना, सही बोल रहा हूँ, तो मैं तो MDB करते हूँ, मैं आपके साथ ही यहीं आया हूँ, मैं 16 बैच में था, मैं हम तो नाइट में आते हैं, सबको याद भी हो हमारे टाइम पे, मैं बताऊँ सर ऐसे हूँ मैं, अब तो ऐसे हो गए, सही बता रहा ये बोलना चाह रहे कि मेहनत यहीं पे करना, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मत लगाना कोई चीज़ दिमाग, जो आग लगानी यहीं पे लगाओ, जो भी अपने अंदर आ गए यहीं पे एक्सप्रेस करना, ओपनली बोल रहा हूँ, खूब मिलेंगे आशी की कॉलेज में, तो ओपनली बोल रहा हूँ आप सबको, कॉलेज उसी के लिए बनाया गया, पढ़ाई खूब मिलेगी, सब कुछ खूब मिलेगा, बस पढ़ाई अभी कर लो, सही बोल, आप लोगों को लाइफ सेट है, मैं अब देखो पीडियाट्रिशियन बन चुका हूँ यहाँ पे, लग भी नहीं रहा होगा, देखिए अब भी मतलब अभी भी देखो सर के पास आके भी लगता है कि यार जिन्होंने हमें पढ़ाया ना, सही है, इसलिए कह रहा हूँ आप लोग कर लो फोकस, अब तो बहुत कॉम्पिटिशन हो चुका है, हमारे टाइम पर तो 550 नंबर मतलब बहुत थे हमारे टाइम पर भी, अब तो आप लोग कर लो, और जब कंसेप्ट क्लियर होंगे ना अभी आगे जाके आपको हेल्पफुल मिलेंगे, बिल्कुल बोल रहा हूँ आपको, हेल्प मिलती है आगे भी, ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो पढ़ने का तरीका सीखोगे उससे आगे लाइफ में भी आसान होगा, काम करने में आसानी होगी, अगर अभी आपके बेसिक क्लियर नहीं होंगे ना आपको आगे भी बेसिक क्लियर होंगे, ये सबसे अच्छी बात बता दिया कि कॉलेज सिर्फ आस्की के लिए होता है और यहाँ पे किस लिए है, पढ़ाई के लिए, अभी पढ़ाई कर लो कॉलेज में जाके, मैं तो कॉलेज ही नहीं उसके, यहाँ से जैसे तुम सिलेक्ट हो जाओगे तुम्हारी नीट में अच्छी रैंक आ गई तो बाकी लाइफ में बस यही है, मेरी रैंक बताता हूँ मेरी 2500 रैंक थी इतनी मतलब, लेकिन अब सही हर चीज़ लाइफ में सक्सेस अचीव कर चुका हूँ, अच्छी इनकम है मंथली मेरी, अच्छा कुछ पूछूँ मैं कोई इशू नहीं, अभी मैं सॉफ्टवेयर साके तो बैठता हूँ मैं सब नाइस शॉर्टेड है, अभी भी देखो यहाँ मिलने आ गया मतलब इसमें तो कुछ तो होगा ना डेफिनेटली, अपने ना एक याद रखना गुरु को कभी मत भूलना,
चाहे आप कितने ही ऊपर पहुंच जाओ, सही बोल, मतलब आप लोग हमेशा रहोगे कि यार जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया है ना, उसको तो कुछ ना कुछ ऐसा देते ना, गुरु दक्षिणा देते हैं, वही बस। और कुछ पूछना है? नहीं, दौड़ भाग के किया मतलब, ठीक है, बिल्कुल रिपोर्टर बता। हाँ जी, जैसे मतलब मुझे बीच में जब लॉकडाउन लगा ना, तो मुझे ये लगा कि मैं जब जितने स्पीड में बचपन में दौड़ता था, मतलब जितने एक सांस में ना, बहुत लाइक काफ़ी 10 किलोमीटर दूर से एक सांस में घर पहुँच जाते थे दौड़ते हुए। हाँ सर, की पहले फोटो किसी ने? उस मतलब मुझे इच्छा जब जागे कि मैं इतना तेज दौड़ सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। अरे मेरे से भी डबल थे। हाँ डबल कर दिया, बोल रहा हूँ मैं, इकट्ठा कर लिया, ठीक है, वेस्टेज है। तो उसको जैसे रनिंग वनिंग करा और ऐसे हुआ ना कि मतलब कि जितना फास्ट बचपन में दौड़ते थे उतना एक बार फिर से दौड़ने का आनंद लें, तो फिर दौड़ना शुरू किया, अपने आप रिड्यूस होना शुरू हो गया। मैंने बीबीएस वहाँ से करे, कोटा में कम्युनिटी कॉलेज कोटा से, क्योंकि जो है ना हाइप की आइलैंड कोटा से या फिर वहीं से सिलेक्शन होते हैं, ये हाइप में मत जाना आपको, मैं वहाँ पे आप कभी जाना, वहाँ पे मोर देन 50-70% बच्चे सिर्फ मॉल वगैरह इसमें जाते हैं, ये सिर्फ मत सोचना कि वहीं कोटा से सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन कहीं से भी होंगे बट आपको पढ़ना खुद ही पड़ेगा, कोई भी ये नहीं आएगा कि सामने वाला मैं लिख के दे रहा हूँ, पढ़ना खुद को ही पड़ेगा, सामना तो पढ़ा सकता था, याद रखना आपको। पैसे ले रहे हो बस? हाँ, टेस्ट वैसे अभी इनका स्टार्ट ही हुआ बैच अभी। कितने घंटे सोना जरूरी है? 6 घंटे। एक मिनिमम है लाइक एमबीबीएस मैक्सिमम भी, एमडी में तो मैक्सिमम नहीं होते, तो एमडी 24 आवर की ड्यूटी होती है हमारी, तो क्या निकाल रहे थे? यूनिट वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, यूनिट वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। सिंगल सेंटेंस में आप ये सुनिए कि जैसे ना आप कितने डॉक्टर्स को हमने बनाया, वो मैंने काउंट नहीं किया, समझ आई बात नहीं आई? और अभी बस बताया था, पहले भी बता रखो कि एक ही ख्वाहिश है, ख्वाहिश ये है कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं जो सामने प्रेजेंट है, तो हर एक बच्चा डॉक्टर बन जाए, डॉक्टर बढ़िया वाले टॉप रैंक में, ठीक है, आप आईआईटी दिल्ली पहुंच जाए, ठीक है, आईआईटी दिल्ली पहुंच जाए। तो जितने लोग बैठे हैं हर एक लोग अच्छी रैंक के साथ डॉक्टर बन जाए, ऑलमोस्ट सब लोग को दिल्ली में प्लेसमेंट मिल जाए, तो वो वेल एंड गुड, ठीक है, एटलीस्ट गवर्नमेंट कॉलेज तो आपको मिल ही जाए, जिस स्टेट के वहाँ का तो सबसे टॉप कॉलेज मिल जाए, दैट इज वन चॉइस, एक हमारी ऐसी इच्छा। दूसरा जो है तो मोस्टली लोग लाइक आपके पास मोर देन सफिशियंट टाइम है कि 720 लेके आए, डॉक्टर तो हमने बहुत बनाया बट 720 नहीं है, मतलब फिजिक्स में 180 है, ऐसे सबको आ चुके हैं, इसको इसको कोई काउंटिंग नहीं है, बट जो है ओवरऑल 720, तो एक तो ये एस्पेक्ट है कि जो कि आप ट्राई करें कि आप ला के दिखाएं, जो देखना अरबाची एक बच्ची थी उस 2019 बैच में, तो उसके 675 नंबर कुछ थे, तो वो भी काफ़ी उस लीग में पहुंच गई थी कि 720 ले आऊँगी, बट फाइनली उसका 675 के आसपास रुक गया जा करके, एक दो क्वेश्चन उसने बोले कि हमारे मिस्टेक्स हो गया, एक एक क्वेश्चन सब में हो गया तो गया काम से खत्म होगी बात, समझ आई बात नहीं आई? तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है आपके पास मोर देन सफिशियंट टाइम है, जितना टाइम है आपके पास, नेक्स्ट ईयर मई में एग्जाम होगा, अगर अभी से पूरा बता दिया कि इन्होंने बताया ना आपके सामने, जो भी आएंगे तो आपको यही बताएंगे कि जैसे यही आपको 6 महीने या 8 महीने या 10 महीने जो टाइम है उसी में लाइफ में पूरी लाइफ में बस यही पढ़ना, उसके बाद आगे जो है तो कुछ भी नहीं, फॉर्मेलिटी पूरी करते जाना, आप जो बनना चाहेंगे बनते जाएंगे, बट इस लेकिन जो जंप है इनको क्रॉस करना जो है
तो वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ भी जो हर्डल है आपके लिए, जैसे इस हर्डल को पार करोगे तो आगे बहुत ही स्मूथ है, आगे जो तुम चाहते हो सब कुछ मिल जाएगा। ये मोस्टली लोग बैठे हुए ना, क्या यही चाहते हैं कि जल्दी से हमारी शादी हो जाए, यही चाहते हैं ना। तो वो तुम सिलेक्ट हो जाओ, तुम्हें मतलब एक नहीं 10 लोग मिलेंगे, हमसे शादी कर लो। तुम जैसे एम्स का तुम्हारे पास आई कार्ड रहेगा, मौलाना आजाद का आई कार्ड रहेगा, एक नहीं 10 लोग वहां बोलेंगे कि हमसे कर लो, हमसे कर लो। तो उसके कोई टेंशन है ही नहीं, शादी का टेंशन तो तुम छोड़ ही दो। जरूरी है कि जैसे आप ये सीख लें, और सीख लेंगे तो डेफिनेटली जो है तो आप, और फिजिक्स में तो बता दिया कि डेफिनेटली जो है ऐसा करवा दूंगा कि आपके सामने क्वेश्चंस रहेंगे, आप डेफिनेटली ये तो तुम कर लो, मैं करवाया हुआ तो यहाँ पर रहेगा, 5 बार करवाया हुआ रहेगा, बट ऑन द स्पॉट लास्ट में रिविजन करवा के बता दूंगा, हाईलाइट कर दूंगा ये आने वाला, बट वहां पर जाकर मार्कआउट तो आपको ही करना पड़ेगा लास्ट में। वो 50 आप बोले चाहें तो मैं बोल भी सकता हूँ कि आपको 20 से 25 क्वेश्चन इस बार दिखा दिया था ना आपको बोल करके, इफिशियंसी कितना 50% है, सोर्स का टेम्पर 600 के लिए भी सिंक का टेम्पर निकालो, वो देख लो वीडियो में बोला हुआ, ये 10 ओम के 10 रेजिस्टेंस सीरीज़ और पैरेलल में जोड़ो, मैक्सिमम का रेशियो लिखो निकालो, 100 ओम, ये डायरेक्ट जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे बोला हुआ, वीडियो तुम देख लो जाकर। 2 मई को क्लास हुई थी, ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला हुआ। आप चाहते हैं या मैं चाहता हूँ तो 50 का 50 मैं आपको बोल भी दूंगा। मैं क्यों नहीं बोलता हूँ, वो 50% वहाँ पे लिखे हुए, मैं ऐसे बोलूँगा 6 घंटे बोलूँगा, 50 को 50 मैं बोल दूंगा, क्यों नहीं मैं बोलता हूँ। या आप चाहेंगे तो और सिंक्रोनाइज करके 50 का 50 ही बोल दूँ। नहीं नहीं अगर मैं बोल दूंगा तुम डॉक्टर बन जाओगे तो मे बी कल को मेरी जिंदगी ले सकते हो तुम। नहीं नहीं अगर मैं तुम्हें सारे क्वेश्चन बता दूंगा तुम जाओ वहाँ टिक कर दोगे तो डॉक्टर तुम थोड़ी बन के आओगे। ये डॉक्टर बन के आया, ये फिजिक्स पढ़ के गया, ये डॉक्टर बन के आया कि ये कॉन्फिडेंस से बता रहा तुम्हें कि ऐसा ऐसा करो, समझ आई बात नहीं है। उस केस में आपको आप खुद ही उस लाइव लेवल ही नहीं रहेंगे, तो वो काम करने की जरूरत है। ये आपको इतना समझा दिया, इतना पढ़ा दिया जरा आपको खुद ही याद हो जाएगा। खुद किसी को बैठा के तुम क्रॉस प्रोडक्ट का डिफिनेशन समझा सकते हो, नहीं समझा सकते। कल डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया समझा सकते, नहीं समझा सकते। तुम किसी को क्या गली मोहल्ले में सबको समझा दोगे, तो ये जरूरी है। ये बोलते आपके अंदर पावर आ गया, आप कुछ भी कर सकते, फिर समझ आई बात नहीं है। वो 50 क्वेश्चन क्या हुआ, ऐसा तो 50 लाख क्वेश्चन आप निकाल सकते खुद ही। तो जरूरी है कि देखें आप, यहाँ पे 2 वेक्टर है, ए एंड बी दिया हुआ था, उनके म्यूचुअली प्रोबेबिलिटी का क्या निकालना था, हमें यूनिट वेक्टर निकाल लिया लोगों ने, तो दैट भी आइडेंटिफाई कर लिया। फटाफट एक जल्दी से प्रैक्टिस कर लें। 1 मोर सवाल दिया हुआ क्या दिया हुआ है, तो डाट डब्ल्यू आर दिया हुआ और ओमेगा दिया हुआ, ये भी सवाल आया 2002 में आया हुआ कि डाट डब्ल्यू आर क्या पोजिशन वेक्टर दिया हुआ, आर इज आई प्लस जे माइनस थ्राइस के और ओमेगा इज डाट डब्ल्यू 5i माइनस के। लीनियर वेलोसिटी वेक्टर निकालना, लीनियर वेलोसिटी वेक्टर वी इज इक्वल टू वी की वैल्यू निकालनी है। आर के वैल्यू, ओमेगा के वैल्यू, भी के वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओमेगा क्रॉस आर या आर क्रॉस ओमेगा, ओमेगा क्रॉस आर, तो जो है आप इसको ऊपर नीचे कर लेंगे अदरवाइज गलत हो जाएगा, मैंने जान के लिखा है। अगर आप निकालना चाहते हैं ओमेगा क्रॉस आर की वैल्यू भी होती है तो ऊपर नीचे कर लोगे, ऊपर नीचे कर लोगे, ओमेगा ऊपर डाल दिया, ओमेगा ऊपर डाल दिया 5a और 5i कैप माइनस के कैप और कितना 0 एंड जे कैप लिख देता हूँ यहाँ पे, 0 एंड जे कैप क्या लिख दिया आपने, कोई दिक्कत। बी की वैल्यू निकालनी है, देखेगा बच्चा कितना आगे बताएंगे आप लोग एक बार, ये आई आ गया माइनस जे आ गया, आई आ गया माइनस जे आ गया, अब प्लस के आ गया,
आई माइनस जे प्लस के, आई हटा दोगे यहाँ से, आई वाले को छोड़ दिया तो इसको इसको गुना करो, कितना हो गया, जीरो हो गया, और इसको इसको गुना करेंगे तो माइनस वन कितना हो गया, दैट वाज जीरो माइनस, जीरो माइनस ऐसा हो जाएगा, और माइनस जे के लिए तो ये वाला हटा दोगे, माइनस फिफ्टीन माइनस वन, वेरी गुड, माइनस माइनस वन, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा माइनस पंद्रह और बीच में माइनस वन आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वन आएगा, और फाइनली के लिए कौन बताएगा, ये केवल हटा दे, फाइव माइनस जीरो, डायरेक्टली फाइव माइनस जीरो, तो अल्टीमेटली कितना आ गया हमारा, यस यस बताएंगे, आई माइनस फोर्टीन या प्लस फोर्टीन, ये माइनस पंद्रह और प्लस एक तो माइनस फोर्टीन हो जाएगा, माइनस चौदह और इधर भी माइनस है तो प्लस फोर्टीन, प्लस फाइव के, आई कैप प्लस फोर्टीन जे कैप प्लस फाइव के कैप, लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, डेफिनेटली हुए तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लोगे, ऑलमोस्ट हर एक साल एक क्वेश्चन आया हुआ, या तो क्या निकालो, तो आर वेक्टर दिया हुआ और एफ वेक्टर दिया हुआ, क्या निकालो, तो आर वेक्टर निकालो, ऑलमोस्ट हर एक साल मोस्टली टाइम इस पे जो क्वेश्चन पूछे गए, और इस फार्मूले पे तो देखेंगे और क्या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, टाउ इज इक्वल टू, और एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा हुआ 2008 या 9 में, आर डॉट टाउ की वैल्यू कितनी होगी, आर डॉट टाउ एफ डॉट टाउ, ये टाउ डॉट एफ, तो ये भी ऑप्शन पूछा हुआ, आर क्रॉस एफ या, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीख लिया, और ए एंड बी दोनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर निकालना भी सीख लिया, और बाकी ऐसे डिफिनेशन के लिए ध्यान देखोगे तो बाकी जो पूरे जो क्रॉस प्रोडक्ट के जो अप्लीकेशन हैं तो यहाँ से आपका काम हो जाएगा, बाकी जो ऐसे जो जितने भी फार्मूले थे यहाँ पे सब लोग एक बार पढ़ लेगा, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, टाउ इज इक्वल टू, क्या क्या सवाल इस पे बन सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, मैग्नीट्यूड वाइज काम करोगे, डायरेक्शन तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वाइज काम करोगे, देखो ये सवाल होता है, टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा लिखो, टाउ इज इक्वल टू कितना लिखो, सिर्फ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड में बात करो तो इतना इतना हो जाएगा, और ये कितनी एंगल पे है, ये थीटा एंगल पे है, और ये तीन एंगल्स के लिए, थीटा के लिए इतना, जीरो डिग्री के लिए, 90 के लिए, 180 के लिए, तो जीरो के लिए कितना हो जाएगा, ये टाउ की वैल्यू जीरो, 90 पे और 180 पे, और किसी थीटा एंगल पे, तो चार ये हो गए, यहाँ से क्या सवाल बनते हैं, टाउ आर एफ एंड थीटा, चार लोग में कोई तीन दिया और फोर्थ निकालो, टाउ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, एनी थ्री विल बी गिवन, फोर्थ की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे, एनी थ्री विल बी गिवन, फोर्थ की वैल्यू निकाल लोगे, और स्पेशल केस में जीरो डिग्री पे जीरो टॉर्क होता है, और 180 पे भी जीरो टॉर्क, और 90 पे टॉर्क मैक्सिमम, 90 पे टॉर्क, टाउ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, एंड डॉट प्रोडक्ट किसी दो का, मैं बता रहा हूँ कि सवाल पूछा हुआ कि टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, फॉलोइंग इज ट्रू, तो आर डॉट टाउ, टाउ विल बी जीरो, आर टाउ एफ डॉट टाउ विल बी जीरो, तो मैं यहाँ से एक एग्जाम्पल आपके सामने लिख दिया, बाकी छः फार्मूले में कोई एक फार्मूला आप बता देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का जो फिजिक्स में यूज था, छः और यूज बताए थे, उसमें कोई एक बता दोगे आप, ये तो हो ही गया, इसके अलावा आप एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, एल इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आप बना लोगे एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर डॉट एल विल बी जीरो, अब पी डॉट एल विल बी जीरो, पी डॉट एल विल बी, और यहाँ पे एल की वैल्यू आर पी साइन थीटा, आर पी थीटा एंगल पे जीरो डिग्री पे, 90 पे आर पी, अब 180 पे, क्षमा जाए बात नहीं, तो ये घर पे जाकर काम कर लेंगे, यही काम को घर पे कर लोगे तो तुम्हें याद रह जाएगा, आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी इज इक्वल टू एल होता है, जो काम हमने यहाँ पे आर क्रॉस एफ के लिए लिख दिया, आर क्रॉस पी के लिए तुम कर लोगे,
और आर क्रॉस पी के लिए कर लोगे और फिर क्या करोगे, बार बार रिवीजन करोगे तब एग्जाम में जो है तो कंफर्टेबली करके आ जाओगे तुम। और अगर ये काम नहीं करोगे, बार बार रिवीजन नहीं करोगे, तो वहाँ पे एग्जाम में तुम्हें तो पता ही नहीं चलेगा कि यही सवाल आया था। क्योंकि जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, आपके सामने बोल रहा हूँ कि मैंने वो 6-6.5 घंटे की क्लास ली और बताया कि 25 से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्ट बोला हुआ वो आया। लेकिन कुछ लोग मिलेंगे आपको जो बोलेंगे पिछले साल पढ़ाया था, एक भी सेंटेंस नहीं आया। समझ आई बात नहीं है? वो मेरे सामने नहीं आएंगे, ठीक है? वो बाहर में आपको कहीं बोलेंगे, मिल गए तो ऐसा बोलेंगे। तो मैं उसको उनको क्या समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि उनको याद नहीं रहता। अगर याद रहेगा तो डेफिनेटली उनको बताया गया है और वीडियो भी डाला हुआ। समझ आई बात नहीं है? ये सुना ना, भ्रष्टाचार दूर करने का सबसे अच्छा नियम निकाला गया था कि किसी चीज का क्या बना लो, वीडियो बना लो। और किसी चीज का कहीं भ्रष्टाचार हो रहा था, आपके पास प्रूफ रहेगा ना, वो तो वीडियो बना के इसलिए डाल दिया गया। और मैं आपको बार बार बोलता हूँ, बैठ के तुम देखा भी करो, और अगर तुम्हें लगता है कि 25 क्वेश्चन नहीं है तो तुम लेके भी आओ वीडियो के, हाँ सर हमें बताओ कि कहाँ 25 तुम्हारे, मैं फिर तुम्हें मैं दिखा दूंगा। मैं अभी सामने भी दिखा सकता हूँ, बट मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको 2 घंटा मैं ख़राब करूँ, ठीक है? उसमें लोकेट कर करके आपको दिखाऊँ कि हाँ यहाँ पर मैंने बोला, हमने बोला है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके लिए क्या ज़रूरी है अब कि आप ये फिजिक्स सीख जाएँ और 2024 में आपके लिए वो चीज़ें हैं तो आपको याद करवा दीजिए, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। समझ नहीं आई बात? वो तो इतिहास है, डेफिनेटली हर एक साल ऐसा होता है और होना ही है, उसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, उसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। अकल उसका लॉजिक भी बता दिया था क्यों ऐसा होगा। हाँ, पूरा सिलेबस आपको अच्छे से पढ़ा देंगे, सब कुछ याद करवा देंगे, सब कुछ सिखा देंगे, तो और क्वेश्चन कहाँ से बनाएंगे? वो सिलेबस से ही बनाना है, इसमें क्या करना। अगर मैं पूरा सिलेबस पढ़ा ही दूंगा, आपको समझा ही दूंगा, आपको याद करवा ही दूंगा, समझ आई बात, तो डेफिनेटली उन्हीं वहीं से आना। ये तो बहुत आसान काम हुआ ना फिर तो। ये उनके लिए मुश्किल है जो उनको या उनके नोट्स से नहीं आ सकता, जो नहीं पढ़ाते हैं, ये पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही सिर्फ लिखवाते हैं, तो वहाँ से मिस हो सकता है। उनके लिए इंपॉर्टेंट हो बट एग्जामिनर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। बट हमारे एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं और जितने तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है उतने तरीके से कर देते हैं। आप एक एग्जाम्पल बोल रहे हैं, मैं 7 एग्जाम्पल यहाँ पर लिखने के लिए आपको बोल रहा हूँ, तो डेफिनेटली जो है तो याद रह जाएगा, उतना आपको याद रह जाएगा जितना कि एग्जाम में आता। समझ आई बात? तो इसलिए आपको इतना बोला जा रहा है, एलिजिबल टू आरपी साइन डेटा, एलिजिबल टू आरपी साइन डेटा, थीटा 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 के लिए 0, 180 के लिए 0 और 90 के लिए मैक्सिमम 0, 180 के लिए 0। और ये जो है अभी करवा रहा हूँ, अभी कहाँ पे जाएंगे हम लोग, लाइक रोटेशनल मोशन में जाएंगे, तो करीब 3 घंटे पढ़ाऊंगा, 3 घंटे के 6 घंटे भी क्लास होगी एंगुलर मोमेंटम पे, सिर्फ एंगुलर मोमेंटम 6 घंटे, एलिजिबल टू आर क्रॉस पी, सिर्फ टॉर्क के पे, आर क्रॉस एफ पे 6 घंटे की मिनिमम क्लास होगी आर क्रॉस एफ पे। समझ आई बात नहीं? और इंजीनियरिंग में जाओगे, आईआईटी जाओगे तो करीब 6 महीने, आप किसी भी टाइप का इंजीनियरिंग करोगे तो 6 महीने टॉर्क पढ़ाएंगे आपको, किसी भी टाइप का, और स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग करोगे तो 4 साल पढ़ाएंगे। हाँ, बस टॉर्क, यहाँ पे आर क्रॉस एफ कर रहे हैं, वहाँ पे जो पुल बनता है समुद्र पे, उस पर भी टॉर्क निकलवाएंगे आपसे, वो कितना टॉर्क बैलेंस कर सकता है, कितना फोर्स बैलेंस कर सकता है, पढ़ाएंगे, टॉपिक यही रहेगा टॉर्क। समझ आई बात नहीं? बट उसका ब्रॉडर एप्लीकेशन चला जाएगा। समझ नहीं आई बात? तो आगे मूव करेंगे आरपी साइन डेटा, तो ऐसे 6 आप पूरा कर लोगे, आप ये 6 पूरा कर लोगे। कौन सा 2 फार्मूले हमने लिख दिया, तीसरा फार्मूला क्या था हमारा, जैसे बताएंगे, टाओ इज इक्वल टू एम बी साइन डेटा लिख लोगे, 0 पे 0, 180 पे 0, 90 पे MB, और 180 पे 0, 0 पे 0, थीटा पे MB साइन थीटा, टाउ डॉट M 0, टाउ डॉट B 0, तो आप बताओगे, तुम बताओगे। नेक्स्ट बोल दो, इस पर 5 बातें बोल दो, 0 180 पे 0, 0 180 पे 0, 90 पे मैक्सिमम, और टाउ डॉट E 0, टाउ डॉट P 0, टाउ डॉट ई जीरो, टाउ डॉट P 0, और यहाँ पे बी इक्वल टू W क्रॉस R, 0 180 पे 0, 90 पे मैक्सिमम, और V डॉट W 0, और V डॉट R 0, और यहाँ पे स्पेशल केस में ये स्पेशल कैसे है, V W V 0 हो जाता है, V W
ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, डब्ल्यू आर भी परपेंडिकुलर होते हैं यहाँ पे, यह स्पेशल केस है। डब्ल्यू डॉट आर बिल जीरो यहाँ पे, यह स्पेशल केस है। यह सर्कुलर मोशन के हर एक किताब में सवाल मिल जाएगा, बी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर है, ये सर्कुलर मोशन में ही आता तीनों पैरामीटर। आगे चल के देखेंगे राइट कॉन्सेप्ट है क्या है, आर ए टी राइट। हाँ प्लेन्स तो अलग रहेगा ना, बट जो है कि इनका जो है तो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, राइट बोलते हैं। आर ए टी, आर फॉर रेडियल, ए फॉर एक्सियल, टी फॉर टेंजेंशियल, राइट। राइट किस लिए तो फेमस होता, किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए फेमस होता राइट। चले फिलहाल ओमेगा आर साइन थीटा भी समझ में आ गया, आई एल क्रॉस बी है, और ये सारे की जरूरत पड़ेगी हमें, आई एल क्रॉस बी अभी वेक्टर में पढ़ा दिया, अभी इसको तो मैग्नेटिक फील्ड में तो कम से कम 6 घंटे इसमें भी पढ़ाया जाएगा आई एल क्रॉस बी को। तो यहाँ पे क्या क्या बता देंगे, 5 फार्मूले बता देंगे, खोल के लिखोगे आई एल बी साइन थीटा मैक्सिमम आई एल बी और 0 180 पे 0 एंड 90 में मैक्सिमम, ये तो हो ही गया, और एफ डॉट एल जीरो एफ डॉट बी जीरो एफ डॉट एल जीरो एफ डॉट बी जीरो और एफ इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी, कौन बच्चा बता देगा जल्दी जल्दी, जीरो एक्सेसिव जीरो 90 पे मैक्सिमम फार्मूला क्यू बी बी साइन थीटा, क्यू बी बी साइन थीटा एंड एफ डॉट वेलोसिटी जीरो और एफ डॉट मैग्नेटिक फील्ड जीरो, क्लियर बात है। और इन पे ये जो है, ये इन दोनों फार्मूले पे पिछले साल सवाल था हमारा, 2023 के पहले 22 था, 22 में इन दोनों फार्मूले पे सवाल था, जो यूज होता क्या, ये प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ रहा था, एफ डॉट बी जीरो एफ डॉट, क्या सवाल होता है कल जो बताया था कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा, सवाल में दिए हुए थे फोर्स वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, फोर्स वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड, और उसमें जो वेलोसिटी लिखते समय जैसे कल एक लिखवाया था ना कि लैम्डा निकालो, याद है, तो ऐसे एक लैम्डा मिसिंग था, एक वेलोसिटी में एक कंपोनेंट मिसिंग था, वहां कुछ लिखते थे पी या एम, तो एम की वैल्यू निकालो, तो हमें यही प्रॉपर्टी लगानी थी कि फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, कल बताया था कि फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट जीरो, तो वहां से तो आपको क्या हो जाएगा, तो अननोन की वैल्यू निकल जाती थी, याद है ना लैम्डा के क्वेश्चन करवाए थे कल, लैम्डा के क्वेश्चन करवाए थे कि एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, दोनों में लैम्डा इन्वॉल्व है या किसी एक में लैम्डा इन्वॉल्व है और ए एंड बी दोनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर हैं, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दो तो वहां से लैम्डा की वैल्यू निकल जाती थी, समझ आई बात। तो यहाँ पे खुलम खुली ये लागू होता है कि ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ए फिजिकल टू क्यू वी क्रॉस बी, फोर्स डॉट वेलोसिटी जीरो, फोर्स डॉट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता, तो तीनों क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है, फार्मूला भी लिखा हुआ था, जाके देखोगे तो फार्मूला भी लिखा हुआ था, करना यही था कि इंश्योर करना था कि जो जिसमें अननोन था तो उसके ऑप्शन दिए हुए थे, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, क्या दिए हुए थे, तो कल ये टॉपिक समझाया था कि ट्रायल एंड हिट करते हैं, क्या करने हैं, तो एक वेक्टर फोर्स लिखा था क्वेश्चन में और ऑप्शन 4 दिए थे वेलोसिटी का, तो बारी बारी से क्या लेने थे हमें, डॉट लेने थे, और जिसके साथ डॉट जीरो हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2022 में 2 क्वेश्चन थे ऐसे, एक तो क्यू बी क्रॉस बी वाले से पिछले 2022 में क्यू बी क्रॉस बी से आंसर क्वेश्चन आया था, और 2023 में किससे क्वेश्चन आया, आई एल क्रॉस बी से, और 2022 में एक और क्वेश्चन था जो बचपन में तुमने सुना होगा कि ईएम वेव में 3 लोग होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्रोपेगेशन वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर, तीनों आपस में क्या होते हैं, तो वहां भी एप्लीकेबल होगा, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पॉइंटिंग वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, पॉइंटिंग वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट, तो वो क्वेश्चन भी 2022 में था, ये गली मोहल्ले का आदमी जानता है कि ईएम वेव 3 लोगों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का म्यूचुअली कॉम्बिनेशन होता है, और ये आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड पॉइंटिंग वेक्टर या प्रोपेगेशन वेक्टर आपस में क्या होते हैं, ये लोग म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, या स्टेटमेंट टेक आउट करने के लिए आते हैं। तो फिलहाल आगे एक्सप्लेन करेंगे इनके एप्लीकेशन को, जो क्रॉस प्रोडक्ट के एप्लीकेशन होते, तो इससे आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरा एप्लीकेशन इससे कंप्लीट हो जाएगा, पी एन डी यू पांडु,
इनका एप्लीकेशन पांडु से तो एक्सप्लेन हो जाएगा। बाकी फिजिक्स वाला एप्लीकेशन आपको याद हो ही गया, फिजिक्स वाला एप्लीकेशन ना याद हो गया, पांडु का एक्सप्लेन करता था फटाफट एक मिनट में हो जाएगा, बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे। पी फॉर पैरेलल, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पी फॉर पैरेलल, ए फॉर एरिया, एन फॉर जनसंख्या, हम दो हमारे दो, कितने परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स होते हैं। एन फॉर नंबर जनसंख्या, डी फॉर डायरेक्शन, डी फॉर डायरेक्शन, और यू फॉर यूनिट वेक्टर, वेरी गुड। ये कंप्लीट हो गया, यही हम लोग पढ़ रहे थे इतनी देर से। पांडु जो भी मर्जी हो तो पांडु कर लोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट रिविजन हो जाएगा। दो वेक्टर दिए रहेंगे बोलेंगे पैरेलल तो क्या कर दोगे तुम, उनका क्रॉस जीरो कर दोगे, क्या कर दोगे, जीरो कर दोगे। या दो वेक्टर दिए रहेंगे एरिया निकाल लो तो क्रॉस कर लोगे। जनसंख्या निकालो, दो वेक्टर हैं उनके म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर की जनसंख्या बताओ तो दो कर दोगे, हम दो हमारे दो कर दोगे। और डी फॉर डायरेक्शन, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालो, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, तो डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर लोगे। यू फॉर ए एंड बी दो गिवन होंगे, उन दोनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर खोजो, तो ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस बी का मॉडल से डिवाइड कर दोगे, ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस बी का मॉडल से डिवाइड कर दोगे। फिजिक्स में एप्लीकेशन डेफिनेटली सेवन एप्लीकेशन याद हो गए आपको, सेवन एप्लीकेशन आपको याद हो गया। और बाकी जो दो वेक्टर हमने क्या जूम किया था, ए एंड बी दो वेक्टर जूम किया था, ए वन आई, ए टू जे, और ए थ्री के, बी वन आई, बी टू जे, और बी थ्री, और ए एंड बी क्या है, ए एंड बी पैरेलल है तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए एंड बी पैरेलल है, ए एंड बी पैरेलल है तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी जीरो करो या डायरेक्टली ऐसा रिजल्ट यूज कर लो पैरेलल होने के लिए। ए वन बाई बी वन इजिकल टू ए टू बाई बी टू इजिकल टू ए थ्री बाई बी थ्री, दो वेक्टर पैरेलल है तो ये फंडा लगाना होगा, या तो तुम क्रॉस जीरो करो तो लंबा पड़ेगा, और यहाँ से चेक कर लोगे तो जल्दी हो जाएगा। दो वेक्टर पैरेलल है तो इनको कोएफिशिएंट का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो फिर से आप कौन सा टाइप का सवाल बोलोगे, यहाँ पे दो वेक्टर दिया रहेगा पैरेलल है, ए और बी पैरेलल है, ए और बी क्या पैरेलल, ए और बी पैरेलल है तो इनको कोएफिशिएंट का रेशियो बैलेंस कर लोगे, ए और बी पैरेलल है तो इनको कोएफिशिएंट का रेशियो क्या कर लोगे, बैलेंस कर लोगे। तो सवाल ऐसा रहेगा कि कोई अननोन छोड़ देगा, रेडी है सब लोग, ए की वैल्यू आई प्लस ट्वाइस जे प्लस तो थ्राइस के ऐसा लिखा हुआ, आर बी की दिया हुआ कि लैम्डा आई प्लस फोर जे प्लस सिक्स के, लैम्डा की वैल्यू निकालो, ए एंड बी पैरेलल है, ए है बी है, ए एंड बी पैरेलल है, ये सब कहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन में, क्या माना ए है बी है एंड ए एंड बी पैरेलल है, लैम्डा निकालो, सब कुछ इतना क्वेश्चन में लिखा हुआ, ए एंड बी पैरेलल है, पैरेलल ए है बी है, ए एंड बी पैरेलल है, क्या निकालो, लैम्डा निकालो। तो कैसे निकाल लोगे तुम, कितना आंसर आ गया, बहुत आसान है, वन बाई टू इजिकल टू टू बाई फोर थ्री बाई सिक्स, तो डाट लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, वन बटे लैम्डा, ऐसा वन बटे लैम्डा, लैम्डा कितना आ गया भैया, लैम्डा कितना आ गया, टू या वन बाई टू, माइनस में दे रखा हो ये और ये, ए एंड बी दोनों पैरेलल, कोई दिक्कत नहीं, बराबर होनी चाहिए, बस बराबर होनी चाहिए वैल्यू। एक मिनट ऐसे देख लें आप, अगर ऐसा कुछ दिया हो हमारे पास, आप ऐसा बोल रहे हैं कि ये माइनस दिया हुआ यहाँ पे और ऐसा दिया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, वन बटे लैम्डा माइनस टू बाई फोर लिख दिया, माइनस टू बटे फोर और थ्री बटे माइनस सिक्स, लैम्डा की वैल्यू जो आएगा तो ऐसे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, बस रेशियो बैलेंस करना, ट्रायल एंड हिट क्वेश्चन है, ए वेक्टर दिया बी वेक्टर दिया दोनों का रेशियो ले लो तो लैम्डा निकल जाएगा, समझ आया बात, या ट्रायल एंड हिट क्वेश्चन कैसे बनेगा कौन बताएगा, दिया रहेगा कि एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर किस पे पैरेलल है, किसके पैरेलल है, चार ऑप्शन दिए रहेंगे, तो एक वेक्टर जो क्वेश्चन में रहेगा आप पहले वेक्टर का रेशियो चेक कर टेस्ट करोगे,
अगर मैच कर गया तो वही पैरल हो जाएगा, नहीं मैच किया तो नेक्स्ट पे चले जाओ। ट्रायल हिट क्वेश्चन यहाँ भी बनेगा, एक वेक्टर क्वेश्चन में रहेगा, दूसरा कहाँ रहेगा, ऑप्शन में चार रहेंगे, और जो क्वेश्चन वाले वेक्टर है इन चारों में किसके पैरल है, तो बारी बारी से तो सभी का रेशियो टेस्ट करोगे, और जिसमें रेशियो टेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा वही क्या हो जाएंगे हमारे पैरल हो जाएंगे। क्लियर हो गया लोगों को? तो जल्दी से एक मिनट में रिवीजन कर लें, आपका क्लास खत्म हो चुकी है।